हालांकि इस डॉक्यूमेंट्री के दौरान इस बात को लेकर मैं और आप बहुत गंभीर हो सकते हैं कि हमारी सोच और हमारा विश्वास कभी हमें दूसरों को नीचा दिखाने या खुद को दूसरों से बेहतर जताने का मकसद नहीं रखता। ये सिर्फ जानवरों के प्रति व्यवहार की तरफ चिंता है। हमें ये महसूस हो गया है कि बेजुबान जानवरों पर क्या बीत रही होगी। अगली महान सामाजिक क्रांति मानव द्वारा पशु शोषण को खत्म करने के लिए प्रजातिवाद के खिलाफ लड़ाई है। एनिमल लिबरेशन एक्टिविस्ट ने फैक्ट्री फार्मों और बूचड़खानों से हैरान कर देने वाले फुटेज का खुलासा किया है। फाउंड पशु संवेदनशील भावपूर्ण सामाजिक प्राणी हैं और वे सहानुभूति व्यक्त कर सकते हैं। उनके पास बिल्लियों और कुत्तों की तरह भावनाएं, एहसास, व्यक्तित्व और परिवार है। वो होशियार हैं। वास्तव में सुअरों को कुत्तों के समान बुद्धिमान कहा जाता है। जब उनके नवजात शिशुओं को उनसे लिया जाता है या वे मृत्यु का सामना करने वाले होते हैं तो वे स्पष्ट रूप से व्यथित हो जाते हैं। क्या मनुष्य के लिए एक ही समय में पशु प्रेमी और पशु दुर्व्यवहार करता और उपभोक्ता होना संभव है? संज्ञात्मक असंगति एक मानसिक परेशानी है जो किसी को तब महसूस होती है जब वे एक साथ दो अलग अलग विरोधाभासी विश्वास रखते हैं। हमें अपने कार्य को अपने मूल्यों के साथ संरेखित करना चाहिए। जानवरों की रक्षा करना बिल्कुल सही काम है, इसलिए जानवरों को नुकसान पहुंचाने के खिलाफ कानून है। हालांकि सरकारें मांस और डेयरी उद्योग के साथ लापरवाह हैं, टैक्स के बदौलत फायदा उठा रही है। यह सब खून का पैसा है। आप जो उत्पादन देखने वाले हैं वो पशु उपयोग उद्योग के बारे में आपको बताई गई हर बात को चुनौती दे सकता है। आपने पशु उत्पादों के अपने उपयोग को कम करने के लिए कदम उठाए होंगे, लेकिन हम सभी को अभी लंबा रास्ता तय करना है। सबसे पहले मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि सिर्फ इसलिए कि मैं शाकाहारी हूँ इसका मतलब यह नहीं है कि जो लोग शाकाहारी नहीं है वो बुरे लोग हैं। मैं ऐसा कहने वाला कौन होता हूँ? मैं शायद किसी और से ज्यादा जानवरों को खाता था। मैं ड्रग का उपयोग कर रहा था। मैं किसी श्रेष्ठ कार्य करने वाला अंतिम व्यक्ति हूँ, इसलिए मेरे दिल या फैसले में कोई दुश्मनी नहीं है। पर मैं जो कह रहा हूँ वह थोड़ा असहज भी लग सकता है, क्योंकि सच्चाई का सामना करना असहज होता है। मैंने जो सबसे अच्छा काम किया वह सच का सामना करना था, और मैं सत्य को प्रमाणिक रूप से ही बोलूंगा। हम हर साल लगभग 70 अरब भूमि जानवरों को मारते हैं। वे हमारे जैसे ही अच्छे लोग हैं, इसी दुनिया में ढले हैं जिसमें हम जन्म से लेकर मृत्यु तक हमें ब्रेन वॉश किया जाता है कि जानवरों को मारना और खाना, भले ही हमें इसकी जरूरत नहीं हो, हर तरह से ठीक है। कृषि उद्योग सख्ती से व्यवसायिक लाभ के लिए पशु और पौधों की खेती की जाती है। अगर किसी ने किसी और को मारने के लिए भुगतान किया है तो हत्या का दोषी कौन है? क्या आप किसी निर्दोष के विरुद्ध हिंसा में भाग लेंगे? क्या होगा अगर वो हिंसा कानूनी हो? यदि आप जानवरों को पीड़ित नहीं देख सकते हैं तो आप एक दयालु व्यक्ति हैं। अगर आपको जानवरों के प्रति हिंसा की तस्वीरें पसंद नहीं है तो आपको हिंसा रोकने की जरूरत है, तस्वीरों को नहीं। जॉनी डेप। यदि आप इसे बनते हुए नहीं देख सकते तो आपको इसे नहीं खाना चाहिए। अगर आपकी आंखें इसे नहीं ले सकती हैं तो आपका पेट भी नहीं ले सकता। हम अरबों निर्दोष जानवरों को मारते हैं, वर्षावनों को नष्ट और पर्यावरण को जहरीला करते हैं, और आपको जानलेवा उत्पाद बेचते हैं। सहायता के लिए शुक्रिया, मांस और डेयरी उद्योग। मैं शाकाहार के खिलाफ बहस करता था, लेकिन फिर एक दिन मैं उठा और महसूस किया कि मैं अपनी अंतरात्मा के खिलाफ बहस कर रहा था। कोई अपने विवेक को रिश्वत नहीं दे सकता। हमारे साथ साथ इस खूबसूरत धरती पर कई और जीव रहते हैं। ये धरती सबके लिए है, सिर्फ इंसानों के लिए नहीं। इंसान ही सिर्फ ऐसे जीव नहीं है जिन्हें आजादी और खुलापन चाहिए। जीने की चाह, खाना और किसी का साथ, हम सब की इच्छा है। हम आजाद रहना चाहते हैं। कैद में रखे गए जानवर रिहा होने पर अपार खुशी और उत्साह व्यक्त करते हैं, जाहिर है। मनुष्य अविश्वसनीय रूप से दयालु हो सकता है और अत्यधिक स्वार्थी भी। मनुष्य कमजोरों का शोषण करके और उनकी लाशों को खाकर अपने पद का दुरुपयोग करते हैं।
हम मासूम जानवरों की तुलना में गलत इंसानों के साथ बेहतर व्यवहार करते हैं। दुनिया में पशु क्रूरता की हद अश्लीलता और हैवानियत है। जानवरों के खिलाफ क्रूरता के विभिन्न स्तर हैं और कुछ स्तर वास्तव में मनोरोगी प्रवृत्ति के हैं, जहां लोगों में जानवरों के प्रति सहानुभूति की काफी कमी है। जाहिर है जानवरों के खिलाफ क्रूरता अनैतिक है, वास्तव में हमारे पास इसके खिलाफ कानून है, फिर भी सरकारें जो कानून बनाती हैं वो विरोधाभासी होते हैं, सिर्फ इसलिए कि कुछ कानूनी है या इसे नैतिक नहीं बनाता। सभी मांसाहारी देश लोगों को ये सोचने के लिए मजबूर करते हैं कि जानवर खाना सामान्य है। खाने के नाम पर कुछ भी खाना सामान्य नहीं है। किसी भी समझदार व्यक्ति को विश्वास दिलाने की जरूरत नहीं कि पशु क्रूरता गलत है। जब मुझे पता चला कि डेयरी में, अंडे में, यहाँ तक कि सभी पशु उत्पादों में बहुत क्रूरता है, तो मैंने खुद से पूछा, क्या मैं कुछ जानवर या सभी जानवरों के प्रति क्रूरता के खिलाफ हूँ? क्रूरता वाला हिस्सा क्या है? पशु शोषण व्यवसाय भोजन, कपड़े, उपभोक्ता उत्पादों और औद्योगिक वस्तुओं सहित मानव उपयोग के लिए सालाना अरबों जानवरों को मारते हैं। मनोवैज्ञानिक, फार्मास्यूटिकल और मनोरंजन, जिसमें सर्कस, शौकिया शिकार करना, रेडियो और चिड़ियाघर भी शामिल हैं। पशु किसी कारखाने या दुकान के उत्पाद की तरह वस्तु नहीं है। पशु उपयोग करने वाले उद्योग कोई महान नहीं है जो हमारे जीवन और स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए मौजूद है। व्यवसाय जो जानवरों से लाभ कमाते हैं, उन्हें व्यापार में सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने की चाह है। ये काफी क्रूर और सामाजिक सभ्यता के खिलाफ है। सच तो ये है कि डेयरी और मीट उद्योग वो मनोरोगी बिजनेसमैन चलाते हैं जिनके लिए पशु किसी बेजान सामान से ज्यादा नहीं है। आप जितना खरीदेंगे उनका उतना लाभ होगा। वो आपके सेहत की चिंता नहीं करते, वो सिर्फ आपसे पैसा कमाना चाहते हैं। ये मानव जाति के लिए शर्मनाक है कि हम इसकी अनुमति देते हैं। यह कुछ ऐसा है जिसे देखकर हम बहुत शर्मिंदा होने वाले हैं। अपने इतिहास को देखकर हमें बहुत शर्म आएगी। मांस और डेयरी उद्योगों को सब्सिडी देने के लिए हर साल $38 बिलियन के अलावा अमेरिकी सरकार मांस और डेयरी अभियानों के लिए अमेरिकी जनता पर $557 मिलियन खर्च करती है। फलों और सब्जियों को बढ़ावा देने के लिए केवल $51 मिलियन और सब्सिडी के लिए केवल $17 मिलियन। लोग अपनी आदत से मजबूर होने की वजह से इससे सांठ गांठ करते हैं। ईमानदारी से कहूं, अगर आप इसे खरीदते हैं तो आप क्रूरता के लिए भुगतान करते हैं। उद्योगपति उपभोक्ता को सस्ते सामान पहुंचाने के लिए जानवरों पर अत्याचार करते हैं, मासूम जानवरों के खून से पैसा कमाने के लिए। इंसानों का जानवरों के प्रति जो रवैया है वो घिनौना और विरोधाभासी है। इसे बदलने की जरूरत है, इसे विकसित करने की जरूरत है। अगली लड़ाई जानवरों की मुक्ति के लिए है। मानव लालच और अज्ञानता के मूक शिकार पशु प्रेमियों के रूप में हमें अपने नैतिक मूल्यों को अपने कार्य के साथ दिखाना चाहिए। दुखद सच्चाई ये है कि पशु उपयोग उद्योग नहीं चाहते कि वो आपको ये बताएं कि बंद दरवाजे के अंदर आखिर क्या चल रहा है। जैसा कि वो कहते हैं ना, अगर आपको सॉसेज पसंद है तो ये मत देखिए कि वो कैसे बनते हैं। मेरा नाम जेनी है, मैं एक सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी हूँ और मुझ पर एक कैनेडियन फैक्ट्री फार्म में जानवरों के साथ होने वाले दुर्व्यवहार का दस्तावेजीकरण करने के लिए आपराधिक आरोप लगे हैं। जब मैंने एक पॉट की जाँच की तो मैंने सुअरों को बड़े दर्दनाक प्रोलैप्स के साथ देखा, जहां उनके अंग सचमुच उनके शरीर से बाहर आ रहे थे। मैंने ओंटारियो सरकार को इस दुर्व्यवहार की औपचारिक शिकायतें प्रस्तुत की, लेकिन मैंने जो भी रिपोर्ट की उसे नजरअंदाज कर दिया गया। एडारे पॉर्क अंतर्राष्ट्रीय किराना दिग्गज IGA की आपूर्ति करता है। पुलिस ने शक्तिशाली निगम के खिलाफ मुकदमा चलाने से इनकार कर दिया है। अब वे इसके बजाय मेरे पीछे पड़े जा रहे हैं। इस महीने की शुरुआत में पुलिस ने मेरे घर पर छापा मारा और मुझ पर घुसपैठ का आरोप लगाया। मेरी जांच के लिए उन्होंने मुझे बड़े बेडरूम की खिड़की में चमकती फ्लैशलाइट से जगाया। उन्होंने मेरा कंप्यूटर, मेरा सेलफोन और मेरा कैमरा ले लिया।
वे अपने अपराधों को सार्वजनिक होने से रोककर एक अरब डॉलर की उद्योग की रक्षा कर रहे हैं। लेकिन मैं सच्चाई साझा करना बंद नहीं करूंगी। मैंने ओंटारियो सरकार के लिए एक दशक से अधिक समय तक काम किया है क्योंकि मैं सेवा करने में विश्वास रखती हूं। जनता को यह जानने का अधिकार है कि इन जानवरों के साथ क्या हो रहा है। मांस और डेयरी उद्योग सच्चाई के नाम पर एक बहुत बड़ा घोटाला है जो कम खर्चीला है। पशुधन उद्योग ऐसा व्यवहार करता है जैसे कि खेत के जानवर खाद उत्पादन के लिए मशीन है। वो उद्योग की प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए इस वास्तविकता को जनता से छिपाने के लिए शातिर लड़ाई लड़ते हैं। उद्योग डर गया है कि जनता को उनकी घृणित प्रथाओं की पूरी तरह से जानकारी हो जाएगी। कानून मौजूद है जो अंडरकवर ऑपरेशन के हिस्से के रूप में ली गई कृषि स्थितियों के वीडियो को प्रकाशित करने से रोकते हैं। ये एक ऐसा अपराध है जिसके लिए सालों जेल भी हो सकती है। ये एक शक्तिशाली उद्योग है जो गोपनीयता पर बना है। जानवर के पैरोकार एक गैग बिल को क्या कहते हैं? इस पर आज रात कोहराम मच गया। कानूनन विद अमेरिका में खेतों की तस्वीर या वीडियो टेप को अपराध बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर क्यों? फैक्ट्री फार्मिंग उद्योग फार्म पर पशुओं के साथ किए जाने वाले बर्ताव के बारे में क्या छिपाने की कोशिश कर रहा है? मुझे लगता है कि यह वास्तव में दर्शाता है कि व्यापार और किसी भी उद्योग में किसी भी निगम के लिए सबसे बड़ा खतरा एक सूचित जनता है। जेन, फैक्ट्री फार्मों पर पूरे देश में ये जांच हो रही है कि इस तथ्य का दस्तावेजीकरण किया जा रहा है कि हर साल लाखों जानवर जिन्हें हम भोजन के लिए पालते और मारते हैं उनके साथ भयानक व्यवहार किया जाता है। और इन अंडरकवर विसल ब्लोइंग एक्सपोज के लिए मांस उद्योग की प्रतिक्रिया उन दुर्व्यवहारों को रोकने की कोशिश करने के लिए नहीं है जो जानवर सहन कर रहे हैं, बल्कि अमेरिकी लोगों को उस दुर्व्यवहार के बारे में पता लगाने से रोकने की कोशिश कर रहे हैं। यहां तक कि कृषि व्यवसाय उद्योग के भीतर जानवरों के साथ क्या होता है इसका फोटो या वीडियो लेना अपराध है। आपको खुद से पूछना होगा कि मांस उद्योग क्या छिपाने की कोशिश कर रहा है। मुझे लगता है कि यूथा ये बता रहा है कि सच्चाई को दर्शाने के लिए लड़ना कितना जरूरी है, और जब वो हो जाता है तो जनता भी खुलकर उनका विरोध करेगी। आप उन लोगों के बीच एक वास्तविक संघर्ष देख रहे हैं जो जानवरों को इस क्रूरता से बचाना चाहते हैं और जो न केवल इस क्रूरता को रोकना नहीं चाहते बल्कि जो जनता को अंधेरे में रखने की मांग कर रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं लोग जितना इन नियमित तरीकों के बारे में जानेंगे जिनमें अमेरिका में खेत जानवरों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है उतना ही अधिक आक्रोश होगा। इसके दूसरे कैवियट के बारे में बात करते हैं। उस मीट पैकिंग फैक्ट्री के मालिक वास्तव में यूटा शहर के मेयर थे जो वर्तमान में भी है, तो क्या यह हितों का टकराव नहीं है? बिल्कुल, ये वही हितों का टकराव है जो पूरा देश आयोवा में देख रहा है। सबसे पहला आज्ञा कानून जो पिछले विधायी सत्र में पारित किया गया था, प्रायोजकों का कृषि उद्योग से घनिष्ठ संबंध है। निश्चित रूप से आपको खुद से पूछना होगा कि मांस उद्योग क्या छिपाने की कोशिश कर रहा है। हम इसका जवाब जानते हैं। ये एक ऐसा उद्योग है जो नियमित रूप से लाखों जानवरों को पिंजरे में बंद कर देता है, जो इतने तंग है कि जानवर अपने पूरे जीवन में मुश्किल से एक इंच भी चल पाते हैं। जब मांस उद्योग में पशु क्रूरता की बात आती है तो हम केवल एक उद्योग में कुछ सड़े हुए सेवों के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम मानक उद्योग प्रथाओं के बारे में बात कर रहे हैं जो इतने अमानवीय हैं कि घिनौने हैं। मार्केटिंग स्ट्रेटेजी की बात करें तो मांस उद्योग 1950 के तंबाकू के उद्योग जैसा है। वो वैज्ञानिक अध्ययन की बुनियाद पर कुछ ऐसे तथ्य और विचार को रखते हैं जो उनके व्यवसाय का समर्थन करे, ये मीडिया की मदद से फैलाते हैं। एक झूठ को कुछ सौ बार दोहराओ और यह एक वैध दृष्टिकोण बन जाता है। इसे 100,000 बार दोहराए और आप खुद में एक पत्थर की लकीर बन जाएंगे। ये एक आश्चर्य की बात है कि तंबाकू का विज्ञापन किया जाता था और स्वास्थ्य के रूप में प्रचारित किया जाता था, डॉक्टर भी करते थे, लेकिन अब हमारे पास सबूत है कि यह घातक है और हम लाभ के लिए झूठे विज्ञापन और मूर्खतापूर्ण प्रथाओं की कीमत चुका रहे हैं। इससे पहले कि आप एक और स्वास्थ्य अध्ययन पढ़ें, जांच ले कि शोध के लिए धन कौन दे रहा है। सबूत सामने आए हैं कि खाद्य कंपनी के पास शोध के बिल को जमा करने का एक पूरा इतिहास है जो अनैतिक विज्ञान आधारित पीआर में उनके बटुए को मोटा करने के लिए किया जाता है। रणनीति के माध्यम से लोगों के मन में संदेह पैदा करने के लिए विशेषज्ञ कंपनियों को काम पर रखा जा सकता है। इस अभ्यास में लाखों का निवेश किया जाता है। कंपनी पोषण पर अनुसंधान करने वालों को पैसा खिलाती है जो हम समझ नहीं पाते, जैसे तंबाकू कंपनी ने धूम्रपान से होने वाले लाभ को जानने के लिए पैसे खर्च किए। मांस और डेयरी उद्योग को बहुत गहरी चोट लगी है क्योंकि लोग समझ रहे हैं कि आखिर क्या हो रहा है। क्या आपको नहीं लगता कि वो अपने भारी मुनाफे को बचाने के लिए अपने विशाल संसाधनों का उपयोग करेंगे? खुद को बेवकूफ बनाकर कोई फायदा नहीं। ये हमारे या पशु कल्याण के बारे में नहीं है और निश्चित रूप से ये आपके स्वास्थ्य के बारे में तो बिल्कुल नहीं।
टीवी विज्ञापन और उत्पाद पैकेजिंग पर आप देख पाएंगे गाय और मुर्गियां काफी खुश हैं। उन हरे हरे घास पर वो मदहोश होकर चल रहे हैं। ये सब हमें धोखे में रखने के लिए है। हैप्पी एग्स, लेकिन यह दुखद वास्तविकता है। हैप्पी एग्स का उत्पादन ब्रिटेन के सबसे बड़े अंडा आपूर्तिकर्ता नोबल फूड्स द्वारा किया जाता है। यह उच्च कल्याणकारी के रूप में विज्ञापित है। RSPCA फ्रीडम फूड स्कीम द्वारा निगरानी की जाती है और अधिकांश सुपरमार्केट में बेची जाती है। तो हैप्पी एग कंपनी, जहां मुर्गियां स्वादिष्ट अंडे देती हैं। वे जनता को गुमराह करने के लिए खुलेआम सच्चाई को मोड़ते हैं। वो कुछ और ही दिखाते हैं, मगर यकीन करें तो सच्चाई बिल्कुल अलग है। लेखों में जानकारी को अक्सर इस तरह से भ्रमिक तरीके से प्रस्तुत किया जाता है। सौभाग्य से सूचना युग अब लोगों को धोखा देना एक चुनौती बना देता है। ये सिर्फ अपना फायदा देखते हैं। अगर कोई आपसे झूठ बोलता है तो वो आपका सम्मान नहीं करता है, उन्हें अपना पैसा क्यों दें? डेयरी उद्योग ने लोगों को यह विश्वास दिलाने के लिए एक अद्भुत मार्केटिंग अभियान चलाया है कि आपको स्वस्थ हड्डियों के लिए और कैल्शियम का सेवन करने के लिए गाय का दूध पीना जरूरी है। वो आपको यह नहीं बताते हैं कि साग और बीन्स कैल्शियम का एक बहुत बड़ा स्रोत होता है, लेकिन गाय के दूध के विपरीत पौधे आधारित कैल्शियम स्रोतों में विटामिन सी और के और खनिज पोटेशियम और मैग्नीशियम होते हैं, जो हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण हैं। और भी बहुत से झूठों को इस तथ्य के रूप में प्रचारित किया जाता है, जैसे हमें प्रोटीन प्राप्त करने के लिए मांस की आवश्यकता होती है, प्रोटीन गैर मांस और डेयरी स्रोतों से उपलब्ध है। 2015 में न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय के पोषण प्रोफेसर मैरियन नेस्ले ने खाद्य और पेय कंपनियों साथ ही व्यापार समूहों द्वारा वित्त पोषित अध्ययनों पर नजर रखना शुरू किया। उसके शोध ने उस वर्ष अकेले 168 ऐसे अध्ययनों को उजागर किया और उनमें से 156 ने पक्षपाती परिणाम दिखाए, जो प्रायोजक के हितों के पक्ष में थे। दूध, सोडा और फलों के रस के स्वास्थ्य लाभों को देखने वाले 206 अध्ययनों की 2007 की समीक्षा में पाया गया कि पूरी तरह से एक खाद्य या पेय कंपनी द्वारा प्रायोजित उन उत्पादों के सेवन से सकारात्मक स्वास्थ्य प्रभाव दिखने की संभावना 4 से 8 गुना अधिक थी। क्या यह सच है कि खाद्य कंपनियां जानबूझकर अपने पक्ष में शोध में हेरफेर करने के लिए तैयार हैं? हाँ, ये है और अभ्यास जारी है। मैरियन नेस्ले। 2014 में डेयरी उद्योग द्वारा वित्त पोषित शोध में दावा किया गया था कि डेयरी हमारे लिए इतनी अच्छी है कि हमें बड़ा और मजबूत बनाने के लिए गाय के दूध का सेवन करते रहना चाहिए। अध्ययन का वैज्ञानिक मूल्य संदिग्ध है। शोध के सुझाव अनुसार विटामिन डी प्राप्त करने के लिए गाय का दूध आवश्यक है। समस्या यह थी कि दूध में विटामिन डी प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता, यह कृत्रिम रूप से दूध में मिलाया जाता है। विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत धूप की अच्छी खुराक है। ऐसा ना होने पर हम सभी को विटामिन डी एक ही जगह से मिलता है, सप्लीमेंट्स। गाय के दूध के माध्यम से उन सप्लीमेंट्स को प्राप्त करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसा कि बेथ मोल द्वारा रिपोर्ट किया गया, अध्ययन के प्रमुख लेखक जोनाथन मैग्वायर का डेयरी उद्योग से धन प्राप्त करने और डेयरी उद्योग के अनुकूल अप्रमाणित निष्कर्षों के साथ अध्ययन प्रकाशित करने का एक लंबा इतिहास है। मैग्वायर ने दावा किया कि उन्हें लगभग 10 साल पहले केवल $10,000 का एक छोटा सा अनुदान प्राप्त हुआ था, परंतु वास्तव में हाल के वर्षों में उन्होंने कनाडा के डेयरी फार्मर से $90,000 और एंटोरियो के डेयरी फार्मर से एक अज्ञात राशि प्राप्त की है। अमेरिकन जनरल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन में प्रकाशित एक 2015 के अध्ययन ने कोलेस्ट्रॉल पर उच्च वसा वाले पनीर और मांस के सकारात्मक प्रभाव की जांच की और ये पाया कि संतृप्त वसा के प्राथमिक स्रोत के रूप में मांस और पनीर के साथ आहार कम वसा वाले उच्च कार्बोहाइड्रेट आहार की तुलना में तथाकथित अच्छे कोलेस्ट्रॉल के उच्च स्तर का कारण बनती है। डेयरी अनुसंधान संसाधन और डैनिश डेयरी रिसर्च फाउंडेशन सहित डेयरी उद्योग द्वारा अध्ययन को पूरी तरह से वित्त पोषित किया गया था। चॉकलेट दूध नहीं पीने वाले खिलाड़ियों की तुलना में चॉकलेट दूध पीने वाले हाई स्कूल फुटबॉल खिलाड़ियों पर एक अध्ययन ने ठोस घटनाओं के बाद बेहतर संज्ञात्मक परीक्षण दिखाया। यह विशेष अध्ययन डेयरी उद्योग द्वारा वित्त पोषित किया गया था। अध्ययन करने वाले विश्वविद्यालय ने कहा कि लोगों को अपने अध्ययन के परिणामों पर भरोसा नहीं करना चाहिए, लेकिन डेयरी उद्योग ने इसे PR रणनीति के रूप में इस्तेमाल किया। नेशनल कैटलमैन बीफ एसोसिएशन द्वारा वित्त पोषित 2011 के एक अध्ययन में रेड मीट की खपत और कोलेस्ट्रॉल कैंसर के बीच कोई संबंध नहीं पाया गया। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एक रिपोर्ट भी जारी की जिसने लाल और प्रसंस्कृत मांस और कैंसर के बीच एक निश्चित कड़ी की घोषणा की। चिकित्सकों की समिति ने संयुक्त राज्य के कृषि विभाग और स्वास्थ्य और मानव सेवा विभाग के खिलाफ मुकदमा दायर किया। इस तथ्य के बावजूद कि अमेरिकी आहार में अंडे कोलेस्ट्रॉल का प्रमुख स्रोत है और कोलेस्ट्रॉल हृदय रोग से जुड़ा हुआ है, देश का प्रमुख हत्यारा
समिति ने घोषणा की कि कोलेस्ट्रॉल अब चिंता का पोषक तत्व नहीं है। यह कोलेस्ट्रॉल चेतावनियों वाली रिपोर्ट जारी करने के दशकों के बाद। मांस और डेयरी स्वास्थ्य के दावे न केवल धोखेबाज हैं, वे पूरी तरह से बकवास हैं और वे खतरनाक हैं। यह सब लाभ के बारे में है। पैसा बोलता है, यह खून का पैसा है। अगली बार जब आप शाकाहारी विरोधी या मांस समर्थक और डेयरी लेख पढ़ते हैं तो सावधान रहे, क्योंकि इसके पीछे खून का पैसा लगा हुआ है। क्या यह साफ नहीं होता कि शक्तिशाली डॉलर का इस्तेमाल मुनाफे की रक्षा के लिए करेंगे? लोगों को उनकी मौत बेची जा रही है। प्रचार मत खरीदिए। डेयरी की वास्तविक लागत आपकी सोच से परे है। वास्तव में कसाई खाने में काम करना कौन चाहता है? इन श्रमिक को जिस मानसिक आघात से गुजरना पड़ता है वो बहुत गहरा है। बूचड़ खाने में काम करना नरक की तरह है। दुर्व्यवहार और यातना मुख्य रूप से कर्मचारियों द्वारा कंपनी की प्रक्रियाओं का उल्लंघन करने से नहीं आती है। इसके बजाय क्रूरता स्वयं प्रक्रियाओं में निहित है। उनके चीखों की गूंज सुनी जा सकती है। बूचड़ खाने में काम करने वाले सदमाग्रस्त, कठोर और असंवेदनशील हो जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप अवसाद, आत्महत्या, घरेलू हिंसा और अपराध की उच्च दर हो जाती है। ये पसंद से किए जाने वाला पेशा नहीं है। ज्यादातर लोग मेरे जैसे थे, वे वहाँ नहीं रहना चाहते थे, लेकिन उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था। लोगों को सिर पर छत और खाने के लिए खाना चाहिए। एक चीज जिसे आप वास्तव में तब तक कभी नहीं समझ सकते जब तक कि आप वहाँ ना हो, वह गंध है। रक्त, इतनी तीखी मोटी गंध। ऐसा महसूस होता है जैसे यह शारीरिक रूप से आपकी नाक के अंदर यात्रा करता है और वहीं रहता है। डर की अपनी गंध होती है। यह कुछ ऐसा नहीं है जिसे मैं शब्दों में बयां कर सकता हूँ, लेकिन अब भी मैं इसे पहचान लूंगा। वे कहते हैं कि खून की गंध आपको आक्रामक बनाती है, और यह सच है। आपका रवैया ऐसा हो जाता है कि अगर सुअर मुझे लात मारता है तो मैं उसे तड़पाऊंगा। आप पहले से ही हॉक को मारने जा रहे हैं, लेकिन यह पर्याप्त नहीं है। इसे भुगतना पड़ेगा। जब वो आपको लाइव मिलता है तो आप सोचते हैं, इसे मैं रौंद दूंगा। बूचड़ खाने के कार्यकर्ता एक ऐसा काम करते हैं जो अपने स्वभाव से ही उन्हें मनोवैज्ञानिक विकार और पैथोलॉजिकल सैडिज्म के खतरे में डालता है। सबसे ज्यादा खतरे में वो मजदूर है जो जानवरों का गला काटते हैं। वैज्ञानिक अध्ययनों ने मापा है कि हिंसा बूचड़ खाने के श्रमिकों के मानसिक स्वास्थ्य और व्यवहार को कैसे प्रभावित करती है। एक प्रमुख अध्ययन ने अपराध दर पर एक समुदाय में बूचड़ खाने के प्रभाव की जांच की। अध्ययन में देखा गया कि शहर में नए उद्योग के आते ही अपराध की दर कैसे बदल गई। उन्होंने 1994 और 2002 के बीच 500 से अधिक काउंटियों के लिए डेटा लिया और फिर अपराध पर बूचड़ खाने के प्रभाव की तुलना अन्य उद्योगों से की। बढ़ते अपराध में बूचड़ खाने ने अन्य सभी को पीछे छोड़ दिया। उन्होंने न केवल समग्र अपराध में बड़ी वृद्धि की, बल्कि परेशान करने वाली हिंसक अपराध और यौन अपराध में अनुपातहीन वृद्धि की। एक कार्यकर्ता ने दावा किया कि एक लंबी शिफ्ट में काम करने वाला पशुओं को मारने से प्रभावित होता है कि वह अपने सहकर्मियों को कैसे देखता और व्यवहार करता है। मेरे पास अपने फोरमैन को लाइन पर उल्टा लटकाने का विचार था। मुझे याद है कि मैं दफ्तर जा रहा था और कर्मियों को बता रहा था कि मुझे किसी व्यक्ति पर ट्रिगर खींचने में कोई समस्या नहीं है। अगर तुम मुझसे टकराओगे तो मैं तुम्हें उड़ा दूंगा। बूचड़ खाने में काम करना श्रमिकों को मनुष्यों पर लक्षित हिंसा के प्रति असंवेदनशील बना सकता है। इस नैतिक रूप से संदिग्ध व्यवसाय से निपटने के लिए अक्सर एक मुकाबला तंत्र, जिसे दोहरीकरण के रूप में जाना जाता है, जहां व्यक्ति अपने आप में एक अच्छा और एक बुरा बनने के लिए मजबूर हो जाता है। अपने कार्यों के ज्ञान के साथ रहने से उन व्यक्तियों के समान लक्षण होते हैं जो आघात के प्राप्त करता है। अवसाद और वास्तविकता से अलग होना, यह एक ऐसे बिंदु पर पहुंच जाता है जहां आप एक दीवार स्वप्न अवस्था में होते हैं, जहां आप बाकी सब चीजों के बारे में सोच सकते हैं और फिर भी अपना काम कर सकते हैं। आप भावनात्मक रूप से मृत हो जाते हैं। तो मोरेल में बहुत सारे लोग सिर्फ शराब पीते हैं और अपनी समस्याओं को दूर करते हैं। उनमें से कुछ अपने जीवन साथी को गाली देते हैं क्योंकि वो भावनाओं से छुटकारा नहीं पा सकते। इस रवैये के साथ अपना दिन खत्म करते हैं और सब कुछ भुलाने के लिए बार में चले जाते हैं। बूचड़ खाने जैसी जगह दुनिया में सिर्फ इसलिए मौजूद है क्योंकि मनुष्यों को मांस और डेयरी से मोह है। क्या आप बूचड़ खाने में काम करोगे? अगर नहीं तो क्यों नहीं? हम जो क्लिप दिखाने जा रहे हैं उससे आप नाराज हो सकते हैं, लेकिन जानवर इस तथ्य से नाराज नहीं है कि हम उन्हें दिखा रहे हैं। मांस और डेयरी के साथ वैश्विक आबादी को खिलाने के लिए औद्योगिक पैमाने पर पशु वध की आवश्यकता होती है। एक खेत में खुशी से टहलने वाली 20 गायें निहायत ही अपर्याप्त है। नवीनतम आंकड़े बताते हैं कि 56 अरब भूमि जानवर और 90 अरब समुद्री जानवर मानव उपभोग के लिए मारे गए हैं। हर साल अमेरिका में लगभग 900 मिलियन, लगभग 10% जानवर विशेष रूप से खाने के लिए उठाए जाते हैं, कभी भी बूचड़ खाने में नहीं जाते। ये जानवर तनाव, बीमारी, परिवहन और अभाव के कारण समय से पहले मर जाते हैं। अकेले ब्रिटेन में हर साल 900 मिलियन से अधिक जानवरों को खाने के लिए
काटा जाता है, यानी हर दिन करीब 2.5 मिलियन जानवर मारे जाते हैं। घंटे में 1,17,000 प्रति मिनट और 30 प्रति सेकंड। इस आंकड़े में मछलियां शामिल नहीं हैं, जो इतनी बड़ी संख्या में मारी जाती हैं कि उन्हें टन में गिना जाता है। यह वास्तव में एक पशु प्रलय है। यदि बूचड़खानों को जानवरों के बजाय मनुष्य से भर दिया जाता है तो ये ऑशविट्स एकाग्रता शिविरों को फिर से बना देगा, जहां लाखों यहूदियों की क्रूरता से हत्या कर दी गई थी। कुछ जानवरों के लिए सभी इंसान नाजी हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नाजी अत्याचारों को संदर्भित करने के लिए हॉलोकास्ट शब्द को गलत तरीके से माना जाता है। प्रलय और प्रलय के अलग अलग अर्थ हैं। छोटे अक्षरों का शब्द हॉलोकास्ट बड़े समूहों की हिंसक मौतों का वर्णन करता है। कोई समूह या घटना इस शब्द का स्वामी नहीं है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान आर्मेनियाई लोगों के नरसंहार का उल्लेख करने के लिए विंस्टन चर्चिल और अन्य लोगों द्वारा इस शब्द का इस्तेमाल किया गया था। 1960 के दशक तक यहूदी पत्रिका के अनुसार यहूदियों के नाजी नरसंहार को द हॉलोकास्ट के रूप में संदर्भित करना आम हो गया था। सामाजिक रूप से स्वीकृत और कानूनी रूप से संरक्षित आचरण स्वचालित रूप से नैतिक नहीं होता है। हिटलर ने जो कुछ भी किया वो जर्मनी में कानूनी था। कभी कभी कानून और सामाजिक नैतिकता उचित नैतिकता तक नहीं पहुंच पाती है। आधुनिक पशु प्रलय की भयावहता मानव इतिहास पर एक धब्बा है। क्या आप जानते हैं, मांस उद्योग के बाद हिटलर ने यहूदी प्रलय का मॉडल तैयार किया था। आप इन्हें अपनी थाली में रखने की मांग कर रहे हैं और वे प्रलय के द्वारा इसकी आपूर्ति कर रहे हैं। आपके सेवन से ये व्यवसाय में बना हुआ है, इसलिए आप प्रलय का समर्थन कर रहे हैं। कितना मजेदार है ये, बहुत मजेदार। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। यह प्रलय वास्तव में और भी बुरा है। ये अजीब है कि हम मानव प्रलय की तुलना पशु प्रलय से करते हैं, जो मानव जाति के इतिहास में सबसे बड़ा प्रलय है। यदि आप निकटतम गाय या चिकन कत्ल खाने में गए और जानवरों को हटाकर उन्हें यहूदियों के साथ बदल दिया तो वो फिर से ऑशविट्स बन गया। कोई फर्क नहीं, आपके पास एक इमारत है जो निर्दोष प्राणियों को नष्ट करने, पीड़ा देने, यातना देने और उनकी हत्या के लिए मौजूद है। चलिए हम 60-70 साल पीछे जाते हैं। आप वापस ऑशविट्स या बर्कनाव जाते हैं, आप यहूदियों को हटाते हैं और उन्हें गायों और मुर्गियों से बदल देते हैं। ये सब कुछ एक प्रलय की तरह है। नाजियों ने यहूदियों को हॉलोकास्ट में मारना सीखा क्योंकि उन्होंने अध्ययन किया कि मांस उद्योग क्या कर रहा है। और जैसा कि आप जानते हैं, सभी यातना शिविरों में पशु कत्लखाने भी थे। जब मित्र देशों की सेना यहूदियों और जिप्सियों को बचाने के लिए आई तो उन्होंने जानवरों को पीछे छोड़ दिया। इसीलिए मैं इसे दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे लंबे समय तक चलने वाला प्रलय कहता हूँ। पशु प्रलय यहूदी प्रलय से बहुत पहले से हो रहा था, यहूदी प्रलय के दौरान, और यह आज भी हो रहा है। आप में से बहुत से लोग जानते हैं कि मैंने अपना बचपन वॉर्सो यहूदी बस्ती से बिताया है, जहां लगभग मेरे पूरे परिवार की हत्या कर दी गई थी, लगभग 350,000 अन्य पोलिश यहूदियों के साथ। लोग कभी कभी मुझसे पूछेंगे कि क्या उस अनुभव का जानवरों के प्रति मेरे काम से कोई लेना देना था। जानवरों के साथ मेरे काम से इसका सब कुछ लेना देना था। क्या वे जानते हैं, ये सभी विद्वान, ये सभी दार्शनिक, दुनिया के सभी नेता आप जैसे लोगों के बारे में, उन्होंने स्वयं को आश्वस्त कर लिया है कि मनुष्य सभी प्रजातियों में सबसे बड़ा अपराधी, खुद को महान समझने वालों में से है। अन्य सभी प्राणियों को केवल उसे भोजन प्रदान करने के लिए, छर्रों से सताया जाने के लिए, नष्ट करने के लिए बनाया गया था। उनके संबंध में सभी लोग नाजी हैं। जानवरों के लिए एक शाश्वत ट्रेवलिंग का है। मैंने पूरी तरह से होलोकास्ट की तुलना को गले लगा लिया। मेरा मानना है कि जानवरों, मनुष्यों और पृथ्वी का दुरुपयोग दूसरों पर हावी होने की समान आवश्यकता से आता है। होलोकास्ट और जानवरों के शोषण के बारे में जो कुछ भी मैं जानता हूँ, उसे जानने के बाद मैं एक पशु अधिकार अधिवक्ता के अलावा और कुछ नहीं हो सकता। जब मैं कचरे की बंडलों की तरह ट्रकों पर फेंके गए बैटरी फार्मों से मुर्गियों से भरे पिंजरों को देखता हूँ, तो मैं अपनी आत्मा की आंखों से देखता हूँ उस्क क्लाक प्लाट्स। जब मैं एक रेस्तरां में जाता हूँ और लोगों को मांस खाते हुए देखता हूँ तो मुझे बीमार महसूस होता है। मुझे उनकी थाली में प्रलय दिखाई देता है। मैं वास्तव में अपने पूरे जीवन में होलोकास्ट छवियों से प्रेतवादित रहा हूँ और कोई सवाल ही नहीं है। लेकिन मुझे जानवरों के अधिकारों के लिए आकर्षित किया गया था क्योंकि समानता के कारण मुझे संस्थागत पशु शोषण और नाजी नरसंहार के बीच महसूस हुआ। मैं जानवरों को खाने से इनकार करता हूँ क्योंकि मैं कष्टों और अन्य प्राणियों की मृत्यु से अपना पोषण नहीं कर सकता। मैं ऐसा करने से इनकार करता हूँ क्योंकि मैंने खुद इतनी पीड़ा झेली है
कि मैं अपने दुखों को याद करके दूसरों के दर्द को महसूस कर सकता हूँ। यदि बूचड़खाने में कांच की दीवारें होती तो हर कोई शाकाहारी होता। पॉल मैकार्टनी। यदि आप कसाई खाने में एक जानवर होते और आप बात कर सकते तो क्या आप दया की भीख मांगते? जानवर इतिहास के मुख्य शिकार हैं और औद्योगिक खेतों में पालतू जानवरों का इलाज शायद इतिहास का सबसे बुरा अपराध है। द गार्जियन न्यूज़पेपर। अगर बूचड़खाने में जानवर बात कर सकते हैं तो आपको क्या लगता है वो क्या कहेंगे? यदि आप एक कत्लखाने में काम करते हैं और एक जानवर आपसे बात करता है और आपसे दया की भीख मांगता है तो आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी? जानवर सामग्री नहीं है। बारबरा थॉम्पसन। अगर मैं आपकी आंखों के सामने किसी सुअर को मारने वाला होता तो आपकी क्या प्रतिक्रिया होती? मेरा शरीर अन्य प्राणियों के लिए कब्र नहीं बनेगा। लियोनार्डो द विंची। हमारा खाना कहां से आता है? आदर्श मनुष्य अन्न उगाता है, पैदा नहीं करता। मानव आहार में पशु उत्पादों की जगह शून्य है। पिछले 30 वर्षों के दौरान मैं उस रेखा को पार कर रहा हूं जो मनुष्य हमें अन्य जानवरों से अलग करने के लिए खींचते हैं। मैं उनकी चीखें सुनता हूं और चार महाद्वीपों पर बूचड़खानों, औद्योगिक खेतों, अंधेरे शेडों, खुले पैडक, परिवहन ट्रकों, जहाजों सहित सैकड़ों स्थानों पर उनके डर और पीड़ा को देखता हूं। उनके पक्ष में कुछ भी मानवीय नहीं था। पशु उपयोग उद्योग संवेदनशील प्राणियों को उत्पादन की इकाइयों में परिवर्तित करता है और फिर लाभ बढ़ाने के लिए उन्हें अनुवांशिक रूप से संशोधित करता है। उन्हें वध के लिए पाला जाता है। हमें असली खाना खिलाने की बजाय वो हमें झूठ खिलाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आप मांस और डेयरी उत्पाद क्यों खाते हैं? जानवरों को सामग्री की तरह इस्तेमाल किया जाता है। कुत्तों, केकड़ों, बिल्लियों और झींगा मछलियों को जिंदा उबाला जाता है। मछलियाँ और ऑक्टोपस जिंदा खाए जाते हैं। बूचड़खाने नरक के द्वार हैं। इस बारे में सोचे जब आप भून रहे हो। आपने उन जानवरों की यातना भरी चीखें नहीं सुनी। आपने उन्हें जिंदा रहने के लिए अपनी पूरी ताकत से लड़ते नहीं देखा। आपने कारखाने के फर्श से उनका खून साफ नहीं किया। मैंने किया और अपराध बोध मुझे हमेशा के लिए परेशान करेगा। अधिकांश लोग अपनी थाली में भोजन को उन जानवरों से अलग कर देते हैं जिनका उस भोजन को बनाने के लिए दुरुपयोग किया गया था। हमें अपनी थाली में उन चीजों को देखना होगा जो कभी जीने की इच्छा के साथ जीवित थे। मांस और डेयरी का सेवन शिकार रहित नहीं है। दूध एक दुखी माता पिता से आता है। मांस एक ऐसे प्राणी से आता है जो एक बार दर्द से करा उठा था। मैं कई बूचड़खानों के अंदर रहा हूं और हत्या को देखा है। कोई भी डरावनी फिल्म या ग्राफिक वीडियो इसकी तुलना नहीं कर सकता कि इन जानवरों पर क्या बीतती है। इन औद्योगिक हत्या घरों में प्रवेश करने पर उनका आतंक, भय और घबराहट, जिसमें खून की गंध होती है, मन को सुन्न कर देने वाला है। कुछ जानवर बेहोश हो जाते हैं जबकि अन्य चिल्लाते हैं और अपनी मौत तक लड़ते हैं। हमारे बीच में लगातार हो रही हिंसा हमारी नजरों से ओझल हो सकती है, लेकिन ये जबरदस्ती अन्यायपूर्ण, अस्वीकार्य है और इसे रोका जाना चाहिए। ज्यादातर लोग जानवरों को नहीं खाएंगे अगर उन्हें खुद मारना पड़े। इसके बजाय वे गंदे काम करने के लिए आसानी से दूसरों को भुगतान करते हैं। ये जानवर जानते हैं कि क्या आ रहा है और मेरा विश्वास करो, वो अपने अस्तित्व के हर तंतु के साथ मृत्यु से लड़ते हैं। मुझे बस अपना काम करना था और बाहर निकलना था। डेक जानवरों के खिलाफ खड़ी है। यह एक ऐसी लड़ाई है जिसे वो कभी नहीं जीतेंगे। ज्यादातर लोग किसी जानवर की पीड़ा को नहीं देख सकते। यही कारण है कि उद्योग इन अनुकूलित यातना और मृत्यु कक्षों को विवेकपूर्ण स्थानों में रखता है ताकि जनता मांस खाती रहे। नजर से ओझल, दिमाग से ओझल। एक कारण है कि क्यों मांस और डेयरी उद्योग नहीं चाहता कि आप फुटेज देखें और क्यों कुछ सरकारों ने बूचड़खानों में फिल्म बनाने पर रोक लगा दी है। फुटेज आपकी चेतना जगाएगा और उनके नोटों की गाय को नष्ट कर देगा। मानवीय वध जैसी कोई चीज नहीं है। यह एक ऑक्सीमोरॉन है। मैंने अभी हाल में ही इस नाजी के बारे में यह कहानी पढ़ी। उसका नाम अर्ज गाबल था। वह और उसके आदमी एक दिन बच्चों को मार रहे थे, लेकिन उसे यह पसंद नहीं आया कि उनके गार्ड बच्चों को सिर के पीछे गोली मारने से पहले उनके बालों को पकड़े और उन्हें सामूहिक कब्र में फेंक दे। उसने वास्तव में अपने अधिकारियों को आदेश दिया कि वे बच्चों को उनके बालों से पकड़ना बंद करें और कहा
कि उन्हें और सभ्य तरीके से मारे। यह कहानी मुझे उतनी ही तकलीफ देती है जितना कि मांस, पनीर, दूध और अंडा खाने वाले लोगों को कहानियां सुनाना अच्छा लगता। हे गैरी, मैं केवल फ्री रेंज अंडे खाता हूँ। हे गैरी, मैं केवल उन जानवरों को खाता हूँ जिन्हें मानवीय रूप से पिंजरे से मुक्त जैविक खेत में पाला और मारा गया था। जब मांस, पनीर, दूध और अंडे की बात आती है तो मानवीय जैसी कोई चीज नहीं होती। मानवीय वध, मानवीय बलात्कार, मानवीय गुलामी, मानवीय प्रलय जैसी कोई चीज नहीं होती। आप किसी को मानवीय रूप से कैसे मार सकते हैं अगर वे मरना नहीं चाहते हैं? यदि आप परीक्षण करना चाहते हैं कि मानवीय क्या है, तो पूछें कि क्या आप चाहते हैं कि यह आपके साथ हो। क्या आप डेयरी उद्योग में गाय के स्थान की अदला बदली करेंगे? अगर आपको लगता है कि यह एक अच्छा जीवन है, फिर आपको कत्ल खाने भेज दें और देखें कि आप इससे सहमत हैं या नहीं। इसे मानवीय वध कहने से आपका विवेक शांत हो जाता है। जब आप फुटेज देखते हैं तो अपने आप से पूछें, ऐसा होने के लिए कौन भुगतान कर रहा है? इंसानियत, करुणामय, क्रूरता मुक्त, पिंजरे से मुक्त, मुक्त सीमा, जैविक या पशु अनुकूल जैसी शब्दावली अर्थहीन शब्दचाल है जिसे गुमराह करने के लिए डिजाइन किया गया है। फार्म जानवरों को बिजली के झटके, पूंछ काटने, दांत काटने, एनेस्थीसिया के बिना बधिया करने, गला काटने, बालों को हटाने के लिए जिंदा उबालने, इलेक्ट्रोक्यूशन और गैसिंग का अनुभव होता है। ये बर्बर तरीके कई बूचड़खानों में मानक है और कानूनी रूप से मानवीय माने जाते हैं। क्रूरवध प्रक्रिया जानवरों को मारने से पहले उन्हें बेहोश करने का प्रयास करती है, जिससे रक्त बलपूर्वक बाहर धकेलने के लिए दिल धड़कता रहता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में अपने जीवन काल के दौरान फार्म पशुओं की रक्षा करने वाले संघीय क्रूरता विरोधी कानूनों की संख्या शून्य है। मांस, डेयरी और अंडा उद्योगों में इस्तेमाल होने वाले जानवर सिर्फ बच्चे हैं जो अस्वाभाविक रूप से भोजन और दवाओं से भरे हुए हैं। वे दूसरे को अनावश्यक रूप से प्रताड़ित और वध करते हुए देखते हैं और जानते हैं कि क्या होने वाला है। उनकी आंखें दहशत से फटी जा रही है। पशु उपयोग उद्योग सचमुच अपनी नकदी गाय के दूध से निकाल रहे हैं। कंबोडियन फार्म पर लिए गए परेशान करने वाले वीडियो फुटेज में म्यूटेंट सुअरों को बड़े आकार में विकसित होने के लिए दिखाया गया है ताकि सुअर किसानों को मोटी कमाई हो सके। ये अनुवांशिक रूप से परिवर्तित सुअर असामान्य रूप से बड़ी मांसपेशियों को विकसित करते हैं और वे बेचे जाते हैं, उनके शुक्राणु भी। यह सब 2015 में वापस शुरू हुआ जब वैज्ञानिकों ने जेनेटिक इंजीनियरिंग का इस्तेमाल करके 32 डबल मसल्ड पिगलेट बनाए। अधिकांश सुअरों की मृत्यु हो गई और रिपोर्टों के अनुसार केवल एक को मामूली रूप से स्वस्थ माना गया। गर्भधारण और जन्म के चक्र में लाखों सुअरों को कृत्रिम रूप से गर्भवती रखा जाता है जब तक कि उनकी प्रजनन क्षमता कम नहीं हो जाती और वे कम व्यावसायिक मूल्य के नहीं हो जाते, जिस बिंदु पर उनका वध कर दिया जाता है और मांस में बदल दिया जाता है। यह विश्व स्तर पर मानक है। उन्हें अक्सर कानूनी और अवैध रूप से बिना भोजन या पानी के ले जाया जाता है, जिससे निर्जलीकरण के कारण उनके मुंह से झाग निकलता है। सबसे जघन्य उद्योग व्यापक प्रथाओं में से एक गर्भवती क्रेटिंग है। सुअरों को उनके शरीर की ठीक लंबाई और चौड़ाई में लोहे की छड़ों से बने एक टोकरे में जबरदस्ती डाला जाता है। इन जेलों में बंद उनका पूरा जीवन कंक्रीट के फर्श पर खड़े होने के अलावा कुछ नहीं कर सकता, बमुश्किल एक इंच भी चल पाता है, घूमने में असमर्थ होता है और कभी भी बाहर का अनुभव नहीं कर पाता है। अपने छोटे टोकरे से बचने के लिए बेताब सुअर अक्सर लोहे की सलाखों को काटने की कोशिश में हफ्तों बिताते हैं जब तक कि उनके मसूड़े से खून नहीं निकलता। वे सरासर ऊब और चिंता से अपने सिर दीवारों से टकराते हैं, भागने की कोशिश से मरोड़े आ जाती हैं, साथ ही ऐसी बीमारी जिसके कारण उनके अंग गलत जगहों पर खराब हो जाते हैं। इस प्रथा को इतना क्रूर माना जाता है कि 2012 में इसे यूरोपीय संघ ने प्रतिबंधित कर दिया था और 2014 में कनाडा ने भी इस पर प्रतिबंध लगा दिया था। इस उत्पादन के समय 9 अमेरिकी राज्यों ने गर्भकालीन क्रेटिंग पर प्रतिबंध लगा दिया है। अमेरिका ने उन राज्यों में जहां फैक्ट्री फार्म वास्तव में फलते फूलते हैं, इन कठोर उपकरणों का व्यापक रूप से उपयोग किया जाना जारी है। सुअर अपने गले में रक्त वाहिकाओं को काटने से पहले चौंक जाते हैं और बेड़ियों में जकड़ जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप रक्तस्राव से मृत्यु हो जाती है। मस्तिष्क में तत्काल मिर्गी की स्थिति को प्रेरित करने के लिए मस्तिष्क के दोनों ओर रखे इलेक्ट्रोड चिमटे द्वारा एक विद्युत प्रभाव लगाया जाता है जिससे जानवर बेहोश हो जाता है। हालांकि यूके में सुअर वध प्रक्रियाओं का एक सर्वेक्षण किया गया था जिसमें पाया गया कि जीव के अनुप्रयोगों का एक महत्वपूर्ण प्रतिशत सुअर को पर्याप्त रूप से अचेत करने में विफल रहा, जिसके परिणाम स्वरूप गला कटने से पहले सुअर को होश आ गया।
फ्री रेंज के रूप में उठाए गए सुअरों सहित अधिकांश सुअर कार्बन डाइऑक्साइड गैस कक्षों में मारे जाते हैं, जिन्हें सर्वोत्तम अभ्यास माना जाता है। उद्योग जनता को बताता है कि गैस चेंबर एक मानवीय वध विधि है और हमें विश्वास दिलाता है कि सुअर धीरे से सो जाते हैं। इस पद्धति की वैज्ञानिकों द्वारा अमानवीय रूप से कड़ी आलोचना की गई है, जिससे सुअर सांस लेने में तकलीफ और हाइपरवेंटिलेशन से पीड़ित है। सुअरों को मांस खाने वालों को संतुष्ट करने के लिए CO2 गड्ढों में उतारा जाता है। जब सुअर बाहर निकलते हैं और घबराते हैं तो सुअरों को यांत्रिक रूप से गैस पिंजरों में भर दिया जाता है, जो आंखों, नाक, साइनस, गले और फेफड़ों के साथ प्रतिक्रिया करता है तो ये कार्बोनिक एसिड बनाता है। फेफड़े की गैस से ये सुअर अंदर से बाहर तक जल रहे हैं। जैसे ही एक पिंजरे को सतह पर लाया जाता है, दूसरे को गड्ढे में उतारा जाता है। चीखने का चक्र जारी रहता है। हम यहाँ लिंडी वैली पोर्ट के सामने हैं और वह है गैस चेंबर। वे जब गैस में उतर जाते हैं तो वे स्क्रीम क्यों करते हैं? जब वो गैस टनल में जाते हैं तो कोई शोर नहीं होता। एक कसाईखाना प्रति घंटे लगभग 1000 सुअरों को मारता है। मारे गए जानवरों की भारी संख्या के कारण सुअरों की मौत मानवीय और दर्द रहित होना असंभव है। गलत वार के कारण कई हॉग जीवित रहते हैं जब वे स्केलिंग गर्म पानी के स्नान तक पहुंचते हैं, जिसका उद्देश्य उनकी त्वचा को नरम करना और उनके बालों को हटाना है। उनकी गर्दन में चूरा घोंपा गया और फिर चारों ओर पिटाई करने और अपने ही खून में मरने के लिए छोड़ दिया गया। इस सुविधा में एक बच्चे को देखने के लिए प्रोत्साहित किया गया था और फिर रक्त बीज में शामिल होने के लिए एक बड़े ब्लेड से उसने सुअर के दिल को बचाते हुए चाकू मार दिया। सुअर तड़पता है और संघर्ष करता है। इससे पहले कि मैं धातु के पाइप से सुअर को मौत के घाट उतार देता हूँ, वह फिर अन्य जानवरों को मारता है और चूरा भी मारता है। यहाँ डरे हुए सुअरों को हवा में उछालकर गले में घोंप दिया जाता है। वे चिल्लाते हैं और चिल्लाते हैं क्योंकि धीरे धीरे उनका खून बहने लगता है। उनके शरीर को फिर खौलते हुए पानी में डुबो दिया जाता है। मैंने डरावने रूप में कुछ जानवरों को इधर उधर पटकते हुए देखा। लगभग उबलते गर्म पानी में अभी भी जिंदा है। यह सब सरकारी कर्मचारियों द्वारा और अक्सर सरकारी निरीक्षकों के सामने किया जाता था।
या विज्ञापन देना अवैध है कि अंडे पोषण से भरे होते हैं या उनके पास उच्च पोषण सामग्री होती है। US डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ने अंडा उद्योग को चेतावनी दी है कि अंडे पौष्टिक या सुरक्षित हैं, यह कहना गलत और भ्रामक विज्ञापन के खिलाफ नियमों का उल्लंघन हो सकता है। बेवकूफ मत बनिए, वे केवल आपका पैसा चाहते हैं। जंगल में मुर्गियां प्रति वर्ष लगभग 12 अंडे देती हैं। आज मुर्गियां तेजी से अंडे देने को विवश हैं। मांस के लिए पाले गए मुर्गियां यकीनन सभी जानवरों में सबसे अधिक अनुवांशिक रूप से हेरफेर हो जाती हैं, जो सामान्य रूप से उनके शरीर की तुलना में 65 गुना तेजी से बढ़ने के लिए मजबूर होती हैं। वे इतनी तेजी से इतने बड़े हो जाते हैं कि उनके पैर उनके विशाल शरीर के आकार के साथ नहीं रह सकते। इससे उन्हें दर्दनाक हड्डी और जोड़ों की स्थिति में पीड़ित होना पड़ता है। मुर्गियों को 10 से 14 दिन के लिए भूखा रखा जाता है। इस तरह के आधुनिक अंडे देने वाली फैक्ट्रियों के परिणाम मुर्गियों के लिए विनाशकारी हैं, और इसमें घायल ओविपोसिटर और त्वरित उम्र बढ़ने शामिल हैं, जिसके परिणाम स्वरूप कम उम्र में इनकी मौत हो जाती है। आमतौर पर 4 से 5 साल, एक मुर्गी की सामान्य उम्र 10 से 15 साल होती है। व्यवसायिक बिछाने वाली मुर्गियां भी अनायास उच्च दर पर डिम ग्रंथि के कैंसर का विकास करती है। चिकित्सा शोधकर्ताओं ने मनुष्यों में डिम ग्रंथि के कैंसर के अध्ययन के लिए मॉडल के रूप में मुर्गियों का उपयोग किया है। जन्म के कुछ समय बाद ही नर और मादा अलग हो जाते हैं। अंडे के उद्योग में मादाएं एक जीवन की ओर अग्रसर होती हैं, और अवांछित पुरुषों को या तो कचरे के थैले में फेंक दिया जाता है ताकि उनका दम घुट जाए, या कन्वेयर बेल्ट द्वारा कीप को लाइव ग्राउंड अप करने के लिए मैक्रेटर में डाल दिया जाता है। यदि आप वह व्यक्ति होते जिसे ग्राइंडिंग मशीन चालू करने के लिए बटन दबाना होता, तो क्या आप ऐसा करते? क्योंकि आप हर बार अंडे के लिए भुगतान कर रहे हैं। मानवीय अंडे जैसी कोई चीज नहीं होती। मादा चूंचों की चोंच के सिरे गर्म ब्लेड से काटे जाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें गंभीर चोट लगती है। 5 से 11 मुर्गियां छोटे तार बैटरी पिंजरों में ठूस दी जाती है। पिंजरों को अक्सर एक दूसरे के ऊपर ढेर कर दिया जाता है, जो निचले पिंजरों में पक्षियों पर मूत्र और मल गिराने की अनुमति देता है। मुर्गियों को विशाल भीड़भाड़ वाले शेड में रखा जाता है, जहां उन्हें हजारों की संख्या में पैक किया जाता है और गंदी खाद से भरे फर्श पर खड़े होने और बैठने के लिए मजबूर किया जाता है, जिसे आमतौर पर 2 से 4 साल में साफ करते हैं। 6 सप्ताह के बाद भयभीत मुर्गियों को उनके पैरों से पकड़ लिया जाता है। चिकन पकड़ने वाली मशीनें 1 घंटे में 7,000 पक्षियों को टोकरे में खाली कर देती है। इस प्रक्रिया में वो टूटे हुए पैर और पंख, घाव, रक्तस्राव, निर्जलीकरण, हीट स्ट्रोक, हाइपोथर्मिया, विच्छेदन, घुटन, जीवाणु संक्रमण और हृदय की विफलता से पीड़ित होते हैं। हत्या के कारखानों तक पहुँचने से पहले ही लाखों मर जाते हैं। एक छोटे लेकिन क्रूर जीवन के बाद उन्हें बीड़ियों में जकड़ लिया जाता है और उन्हें उल्टा लटका दिया जाता है। बिजली का करंट लगता है, उनका गला काट दिया जाता है और अक्सर उन्हें जलाकर मार दिया जाता है। भूतपूर्व बूचड़खाने के कर्मचारी वर्जिल बटलर रिपोर्ट करते हैं कि स्कल टैंक में मुर्गियां चिल्लाती हैं, लात मारती हैं और उनकी आंखों की पुतलियां उनके सिर से बाहर निकल जाती हैं। अमेरिका में प्रति सेकंड करीब 300 मुर्गियां काटी जाती हैं। दुनिया में हर साल 51.4 अरब मुर्गियां कृत्रिम रूप से पैदा की जाती हैं और 42 दिन के बच्चों के रूप में उनका वध किया जाता है। मानवीय वध विकल्पों में किल कोन, अपघटन और गैस कक्ष शामिल हैं। किल कोन कल्पनाशील हत्या का सबसे बर्बर रूप है। मुर्गियों को पहले एक लंबी कीप के नीचे सिर भर दिया जाता है। उनके सिर एक छोटे से छेद के माध्यम से खींचे जाते हैं और उनकी गर्दन काट दी जाती है। वे तड़पते हैं और पीड़ा से चीखते हैं और उनके मुंह से खून बहता है। ये आपके चिकन सैंडविच की कीमत है। अब आप जब जानते हैं तो आप कैसी प्रतिक्रिया देंगे? अधिकांश लोग वास्तव में ये जानकर हैरान हैं कि डेयरी उद्योग जितना वो जानते थे उससे कहीं ज्यादा क्रूर है। ये धंधा दूध का है। गायों से दूध के उत्पादन के लिए उनके पास उनके बछड़ों का रहना जरूरी है, लेकिन अधिकांश डेयरी फार्मों में उनके बछड़ों को कुछ दिनों की उम्र में ही उनकी माओं से दूर ले जाया जाता है ताकि हम दूध पी सके। जब आप एक बछड़े को उसकी माँ से दूर ले जाते हैं तो वह प्रक्रिया कैसी होती है, बछड़े के लिए, माँ के लिए और किसान के लिए? वैसे किसान के रूप में यह कुछ ऐसा है जो आप बस करते हैं, आप इसके साथ आगे बढ़ते हैं, यह काम का हिस्सा है। और आपको गाय को दूर ले जाने की जरूरत है क्योंकि आपको दूध की जरूरत है। उस बिंदु पर बछड़ा अपनी वृत्ति के अलावा और कुछ नहीं जानता, जो उन्हें बताता है कि कुछ अजीब है। माँ ये अलग है। कभी कभी वो साइलेज फीड के पास चले जाते हैं और खाना शुरू कर देते हैं और फिर उन्होंने गौर भी नहीं किया और फिर कुछ दिनों तक रोते रहते हैं, फिर कुछ दिनों तक वो रोते रहेंगे। सचमुच? और शायद सबसे ज़्यादा तकलीफ देने वाली बात यही है। वह आपको प्रभावित करता है जैसे कि अभी?
कट इट। मानव शरीर को कुत्ते के दूध, घोड़े के दूध या जिराफ के दूध की तुलना में गायों के दूध की अधिक आवश्यकता नहीं है। दूध के हर ग्लास का एक दर्दनाक इतिहास होता है। गाय का दूध पीना अजीब है। हम एकमात्र प्रजाति हैं जो वास्तव में अन्य प्रजातियों के दूध पीने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। दूध शिशुओं के लिए है। दूध पीने वाले बुद्धिमान वयस्क विचित्र हैं। और तथ्य यह है कि डेयरी उत्पादों को स्वास्थ्य समस्याओं की पूरी सूची से जोड़ा गया है। ब्रिटेन ने दूध को पीने के लिए असुरक्षित माने जाने से पहले उसमें लाखों मवाद कोशिकाओं को शामिल करने की अनुमति दी है। जैसा कि डेयरी उद्योग बताता है, मवाद का संचय एक जानवर की रक्षा प्रणाली का एक स्वाभाविक हिस्सा है। इसलिए मवाद अपने आप में कोई बुरी चीज नहीं है। हम शायद इसे अपने मुंह में नहीं रखना चाहेंगे। डेयरी उद्योग अविश्वसनीय रूप से क्रूर है। गायों को दर्दनाक ढंग से ब्रांडेड किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है और मार दिया जाता है। एक विवादास्पद दूध अमान्य है विज्ञापन को सख्त यूके एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ने मंजूरी दे दी। डेयरी उद्योग के विरोध के बावजूद मानवीय दूध छूट है। एक गाय तब तक दूध का उत्पादन नहीं कर सकती जब तक कि वो जन्म नहीं देती। इसलिए वे कृत्रिम गर्भाधान और यंत्रीकृत दुग्ध के निर्बाध रूप से दोहराए जाने वाले चक्रों को सहन करती है। हर बार जब आप एक ग्लास दूध पीते हैं या पनीर का एक टुकड़ा खाते हैं तो आप एक माँ को नुकसान पहुँचाते हैं। किसी महिला को उसकी इच्छा के विरुद्ध बलपूर्वक गर्भवती करना बलात्कार है। उद्योग में उपयोग किए जाने वाले उपकरण को इन दोनों पशु कार्यकर्ता द्वारा बलात्कार रैक के रूप में उपयुक्त रूप से संदर्भित किया जाता है। जब एक बछड़ा पैदा होता है तो उसे जन्म के 24 घंटों के भीतर क्रूरता से उसकी माँ से दूर ले जाया जाता है। इससे माँ और उसके नवजात शिशु दोनों को गहरा संकट होता है। वे आपको यह विश्वास दिलाने की कोशिश करते हैं कि यह बेहतरीन फार्म है जहाँ जानवरों को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया जाता है। जैसा कि किसी जानवर की गुलामी करना, उसका बलात्कार करना, उसका बछड़ा चुराना, उसका दूध चुराना, फिर जब वो थक जाती है तो उसे क्रूर मौत के घाट उतार दो, सभी गंदे लाभ के लिए, सभी घिनौने फायदे के लिए। कल्पना कीजिए कि ये महिलाओं के साथ किया जा रहा है। आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते। गायों द्वारा अकल्पनीय को सहन किया जाता है जैसे कि नैतिक रूप से स्वीकार्य हो। वे आपको बताते हैं कि गाय अपने बछड़े को अस्वीकार करती है और दयालु मिस्टर एंड मिसेस किसान को आगे आना होगा और उस बछड़े को बचाना होगा। सच तो यह है कि जन्म से रक्त रंजित माताएं अपने बच्चों को ढूंढती और बुलाती हैं और बार बार यह अनुभव करने के बाद वे हार मान लेती हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि उनके बछड़े को क्या होगा। वे इसे छोड़ ही नहीं रहे हैं। मादा बछड़ों को अपनी माँ की तरह ही भाग्य का सामना करना पड़ता है। उन्हें महीनों तक एकांत कारावास में कैद रखा जाता है जब तक कि उन्हें अपनी माताओं को लाभ कमाने वाली दूध मशीनों के रूप में बदलने के लिए नहीं भेजा जाता। नर बछड़े दूध का उत्पादन नहीं कर सकते और इसलिए वध के लिए भेज दिया जाता है। जब आप मांस के लिए भुगतान करते हैं तो आप एक बछड़े को उसकी माँ से अलग करने के लिए भुगतान कर रहे होते हैं। आप एक बच्चे को एक छोटे से पिंजरे में कैद करने के लिए भुगतान कर रहे हैं, उसे चलने, दौड़ने, कूदने, नर्सिंग करने और बस अपने जीवन का आनंद लेने से रोक रहे हैं। क्या आपको ये सब मंजूर है? गायों को दिन भर बिना किसी व्यायाम के गुलाम रखा जाता है। कुछ तो थकावट से गिर जाते हैं। गौ माता को जबरदस्ती तब तक दुहा जाता है जब तक कि वह और दूध नहीं दे सकती। इन गायों को अनुवांशिक रूप से हेर फेर किया जाता है ताकि वे स्वाभाविक रूप से लगभग 10 गुना अधिक दूध का उत्पादन कर सकें। चयनात्मक अनुवांशिक प्रजनन और झुंड प्रबंधन की गहनता के कारण अस्वाभाविक रूप से उच्च दूध की उपज दोगुनी हो गई। 1970 के दशक में औसत 12 लीटर या 21 प्रिंट प्रतिदिन था। 2012 में औसत 24.5 लीटर या 42 प्रिंट प्रतिदिन। बलात्कार और दोहने का यह क्रूर चक्र गायों को तब तक दबा देता है जब तक कि गाय कमजोर नहीं हो जाती और लाभप्रदता गिर नहीं जाती। तब उसे मांस बनने वध के लिए भेज दिया जाता है। आमतौर पर वो 4 या 5 साल तक जीवित रहते हैं, जबकि कम तनावपूर्ण परिस्थितियों में उनका प्राकृतिक जीवन काल 25 साल तक का होता है। बिग बर्था अब तक की सबसे पुरानी गाय है जो अपने 49वें जन्मदिन से सिर्फ 3 महीने पहले तक जीवित रही। घंटों या दिनों तक अपने मल मूत्र में खड़े रहने के दौरान गायों को ले जाया जाता है। उनके शरीर पर मल की परत चढ़ जाती है। ट्रक उन्हें साफ होने के लिए कभी नहीं रुकते। वो विष्ठा से अमोनिया की सांस लेने के लिए मजबूर है और कभी कभी इस वजह से गिर जाते हैं या अपनी विष्ठा पर ही फिसल जाते हैं। यह उठ नहीं सकता, यह अपनी गंदगी में बैठी है, अपनी ही खाद में लिपटी हुई। मैंने इतना भयानक पहले कुछ नहीं देखा है। मैंने कभी भी इतनी स्पष्ट, इतनी भयावक, इतनी अपमानजनक गंदगी नहीं देखी। पूरी तरह से अपनी गंदगी में ढका हुआ, गंदगी में घंटों या दिनों तक यात्रा करना, इतना प्यारा, इतना कोमल जानवर सिर्फ अपनी गंदगी में सड़ने के लिए छोड़ दिया गया। वे अक्सर घायल हो जाते हैं क्योंकि उन्हें स्टील के ट्रकों में फेंक दिया जाता है और वह मौत के कारखानों में चले जाते हैं।
टूटे हुए पैर, फटा हुआ शरीर, घाव से बहता खून और उनका शरीर जो विस्टा में फंस चुका है। जैविक खेतों पर गायों को और भी अधिक नुकसान हो सकता है। जानवरों के तन संक्रमित होने पर तो कई किसान दवा भी नहीं देते क्योंकि इससे उन्हें गायों के दूध को जैविक लेवल करने में बाधा आएगी। पिंजरे से मुक्त, घास खिलाया, नैतिक रूप से स्रोत, जैसे लेबल के लिए मत गिरो, ये आपके विवेक को शांत करने और कीमतें बढ़ाने के लिए मार्केटिंग शब्द जाल है। जानवरों को अभी भी उसी क्रूर तरीके से काटा जाता है। पशु आपके दूध, आपके पनीर, आपके दही, आपके आइसक्रीम के लिए भारी कीमत चुकाते हैं। वे खून से सने बूचड़ खानों में अपनी जान देकर कीमत चुकाते हैं, जहां जाने से आप नफरत करेंगे। एक खेत में चरती गायें और एक खेत में इधर उधर दौड़ती मुर्गियां मांग को पूरा करने के लिए आवश्यक मांस की मात्रा को बनाए नहीं रख सकती। औद्योगिक पैमाने पर खेती क्रूर समाधान है। यह सब कष्ट सिर्फ इसलिए कि मनुष्य दूध पी सके, जिसकी उन्हें कोई भी आवश्यकता नहीं है। हमें इस बर्बर उद्योग को धन देना बंद करना चाहिए और मांस और डेयरी उत्पादों का बहिष्कार करके आप ऐसा कर सकते हैं। कभी कभी इन बछड़ों को जन्म से पहले ही मार दिया जाता है। उनके सिर पर एक हथौड़े से वार करते हैं और मानवीय डेयरी का यही मानक है, अन्यथा वे थोड़े समय के लिए बड़े हो जाते हैं। इन पिंजरों में अपनी माताओं से दूर रहते हैं और उनकी माताएं उनसे केवल कुछ दूर पर ही रहती हैं। यह तो सिर्फ दूध पीने, पनीर एवं चॉकलेट खाने की हकीकत है। सौभाग्य से हमारे पास इन सभी डेयरी उत्पादों के शाकाहारी विकल्प उपलब्ध हैं और यह मूर्खतापूर्ण अपहरण, हिंसा और पीड़ा नहीं होनी चाहिए। जैसे जैसे पशुपालन उद्योग में क्रूरता उजागर हो रही है, खेतों की संख्या और पशु उत्पादों की मांग घट रही है। यूके टेलीग्राफ अखबार ने बताया कि हजारों डेयरी फार्म बंद होने का सामना कर रहे हैं क्योंकि कर्ज संकट के स्तर पर पहुंच चुका है। उद्योग विश्लेषकों का अनुमान है कि संख्या में गिरावट जारी रहेगी। किसी को समझा पाना मुश्किल काम है। जब उसका वेतन उस पर निर्भर करता है तो उसे समझ नहीं आता। ऐसे किसान है जो या तो बेच रहे हैं या शाकाहारी बन रहे हैं। जे वाइल्ड जीवन भर गायों की खेती करते रहे। उन्होंने अपनी गाय को शाकाहारी संतरी को दान करने का अविश्वसनीय निर्णय लिया। शाकाहारी समाज उनके खेत को शाकाहारी खेत में परिवर्तित करके उनकी मदद कर रहा है। जाय की कहानी बीबीसी में प्रलेखित की गई थी। अन्य खेतों ने भी समान मार्ग लिया है। वह हथौड़ा ठीक है, क्या हम उसे खोजने चले? हाँ यह ठीक है, मैं काम करता हूँ। हाँ हे दोस्त, वो मरा नहीं, बछड़ा मरा नहीं है। मछलियां स्पॉन्ज की तरह होती हैं। वे समुद्र में सभी प्रदूषकों को सोख लेती हैं। मत्स्य पालन एक क्रूर रक्त खेल है। जब मछुआरे के हुक पर तड़पती मछली को पानी से बाहर निकाला जाता है तो उसके लिए खेल नहीं होता। वे डरे हुए हैं, दर्द में हैं और जीवन के लिए संघर्ष कर रहे हैं। स्कॉटलैंड के शोधकर्ताओं ने रेनबो ट्राउट के चेहरे और सिर पर 48 रिसेप्टर्स का पता लगाया और पाया कि इनमें से 22 के मुंह और सिर में दर्द के रिसेप्टर्स हैं, जहां एक मछुआरे का कांटेदार सुई घुस जाता है। अपनी किताब डू फिश फील पेन में जीव विज्ञानी विक्टोरिया ब्रेथवेट कहती हैं, इस बात के उतने ही प्रमाण है कि मछलियां दर्द महसूस करती हैं और पीड़ित होती हैं जितना कि पक्षी और स्तनधारी।
जब ब्रेथवेट और उनके सहयोगियों ने मछलियों को हानिकारक रसायनों के संपर्क में लाया तो उन्होंने वैसा ही व्यवहार किया जैसा कि हम में से कोई भी करता। जब रेनबो ट्राउट में दर्दनाक एसिडिक एसिड या मधुमक्खी के जहर को उनके संवेदनशील होठों में इंजेक्ट किया तो उन्होंने खाना बंद कर दिया, टैंक के फर्श पर तड़पने लगे और टैंक की दीवारों पर अपने होठ रगड़ने लगे। जबकि मछली जिन्हें हानि रहित रसायन के साथ इंजेक्ट किया गया था उन्होंने असामान्य व्यवहार को प्रदर्शित नहीं किया। जब मछली को हुक पर चढ़ाया जाता है तो वो जोर से चिल्लाती नहीं, जब उनके मुंह से हुक निकाला जाता है उनका व्यवहार उनकी अत्यंत पीड़ा दर्शाता है। कुछ चीखे खामोश हैं जो डर और दर्द की वजह से हैं। न्यूरोबायोलॉजिस्ट द्वारा किए गए कई अध्ययनों ने लंबे समय से माना है कि मछली में तंत्रिका तंत्र होता है जो दर्द को समझता है और प्रतिक्रिया करता है। मछली जैसे उच्च कशेरुकी में एंडोर्फिन जैसे न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं जो पीड़ा से राहत देते हैं। स्पष्ट कारण है कि उनके तंत्रिका तंत्र दर्द निवारक दवाओं का उत्पादन दर्द को कम करने के लिए करते हैं। अप्लाइड एनिमल बिहेवियर साइंस जर्नल में एक अध्ययन में पाया गया है कि दर्दनाक गर्मी के संपर्क में आने वाली मछलियां बाद में डर और युद्ध के लक्षण दिखाती हैं। ये दोनों दर्द का अनुभव करती हैं और इसे याद रख सकती हैं। क्वींस यूनिवर्सिटी बेलफास्ट के वैज्ञानिकों द्वारा किए गए एक अध्ययन ने साबित कर दिया कि मछली अन्य जानवरों की तरह ही दर्द से बचना सीखती हैं। यह पेपर दिखाता है कि मछली में दर्द से बचाव एक प्रतिव्रत प्रतिक्रिया नहीं लगती है बल्कि एक जिसे सीखा जाता है, याद किया जाता है और विभिन्न परिस्थितियों के अनुसार बदला जाता है। इसलिए मछली पकड़ने को एक गैर क्रूर खेल नहीं माना जा सकता। कनाडा में ग्यूल्फ विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने निष्कर्ष निकाला है कि जब मछली का पीछा किया जाता है तो उन्हें डर लगता है। FAWC के वैज्ञानिक इस बात से सहमत हैं कि वो दर्द का अनुभव करते हैं। मछली की संज्ञात्मक क्षमताओं और संवेदी धारणाओं पर लगभग 200 शोध पत्रों की समीक्षा करने वाले मैकैरी विश्वविद्यालय के डॉक्टर कूलम ब्राउन का मानना है कि जब मछली को पानी में से एक ऐसे वातावरण में खींच लिया जाता है जिसमें वो सांस नहीं ले पाती हैं, तो उन्हें जो तनाव होता है वो किसी इंसान के डूबने से भी अधिक है। मनुष्यों में डूबने के विपरीत जहां हम लगभग 4-5 मिनट में मर जाते हैं क्योंकि हम पानी से ऑक्सीजन नहीं निकाल सकते, मछली अधिक समय तक जीवित रह सकती है। यह ज्यादातर समय एक लंबी धीमी मौत है। मछली के लिए संज्ञात्मक और व्यवहारिक रूप से जटिल जानवरों के रूप में जीवित रहना असंभव होगा। वो दर्द महसूस करने की क्षमता के बिना है और क्रूरता की संभावित मात्रा जो हम इंसान मछली पर डालते हैं मनमौजी है। यह मान लेना एक अनुचित त्रुटि होगी कि मछली इन स्थितियों में केवल इसलिए दर्द का अनुभव नहीं कर सकती है क्योंकि उनकी प्रतिक्रिया बाकी स्तनधारी जीवों की तरह नहीं है। UK के मछली कल्याण संगठन fishfound.org के अध्ययन के अनुसार सालाना लगभग 970 से 2700 बिलियन मछलियां पकड़ी जाती हैं। बहस खत्म हो गई, मछली दर्द महसूस करती है। यह काफी दिलचस्प है। मैं मछली बाजार में गया और मैंने छोटी बाल्टियों में कैद मछलियों को धीरे धीरे घुटते देखा है। इसने मुझे बहुत व्यथित किया। मैंने जो चीजें देखी वे भयानक थी। मैं विश्वास नहीं कर सकता कि मैं उन्हें देख सकता था, लेकिन बहुत से अन्य लोग भी वास्तव में इन छोटी छोटी टंकियों में तड़पती मछलियों को नहीं देख सकते थे जिनका दम घुट रहा था। और यदि आप उनकी आंखों में देखते हैं तो वे आतंकित हैं, वे पीड़ित हैं, और सच कहूं तो ये पीड़ा निरर्थक है। मैंने देखा कि मछलियां आधी लंबाई में कटी हुई हैं और उनके शरीर खुले हुए हैं और उनके दिल अभी भी धड़क रहे हैं।
हर खूबसूरत फर कोट के पीछे एक कहानी होती है। यह एक खूनी बर्बर कहानी है। जानवरों के हर कपड़े के पीछे एक ऐसा जानवर है जो बहुत ज्यादा सहा है। लाखों जानवरों को कुचला जाता है, लटकाया जाता है और अक्सर उनके फर के लिए जिंदा खाल उतारी जाती है। फर कोट सुंदर जानवरों और बदसूरत लोगों द्वारा पहने जाते हैं। परेशान जानवरों की चीखों से गूंजने वाले दुर्गंध वाले शेड में एक दूसरे के ऊपर ढेर किए गए पिंजरों की पंक्ति। यह एक विशिष्ट फर फार्म है। फर के खेतों पर जानवरों को मारने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले दर्दनाक और भयानक तरीकों में योनि या गुदा वितुकरण, गैसिंग और विषाक्तता शामिल है। मैं फंसे हुए रकून के चेहरे पर घबराहट के रूप को नहीं भूल सकता, क्योंकि उसे छड़ी के साथ सिर में मार दिया जाता है और फिर ट्रैपर के बूट द्वारा पानी के नीचे फेंक दिया जाता है। केवल हवा के लिए हाफने छड़ी के अंत को पकड़ने के लिए मानो दया की याचना कर रहा हो। विश्व बैंक ने जहरीली धातु प्रदूषण के लिए फर उद्योग को दुनिया का सबसे खराब उद्योगों में से एक के रूप में स्थान दिया है। फर के उपचार के लिए उपयोग किए जाने वाले खतरनाक पदार्थ विनाशकारी नुकसान पहुंचा सकते हैं और श्रमिकों के लिए गंभीर स्वास्थ्य जोखिम भी पैदा करते हैं, जिनमें कैंसर तक शामिल है। कुछ देशों में फर की खेती प्रतिबंधित होने के बावजूद वहाँ उनका आयात होता रहता है। यह सब खून का पैसा है। चमड़े से बने हर फैशन आइटम की जड़ में जबरदस्त क्रूरता होती है। चीन में अनगिनत गायों को उनके चमड़े के लिए जिंदा निकाला जाता है और बचने से रोकने के लिए अंग काट दिए जाते हैं। भारत गोमांस में सबसे बड़े निर्यातकों में से एक है, फिर भी गायों को पवित्र माना जाता है और कोई पशु कल्याण नियम मौजूद नहीं है। आपके मेड इन इटली चमड़े के जूते भारतीय चमड़े से बने हो सकते हैं। भेड़ किसान आपको ये बताने में विफल है कि इन भेड़ों से ऊन की कभी ना खत्म होने वाली आपूर्ति को बढ़ाने के लिए अनुवांशिक रूप से इंजीनियर किया गया है। 13वीं और 14वीं शताब्दी में स्पेनिश भेड़ पालक अपनी स्थानीय भेड़ों को अंग्रेजी भेड़ों के साथ पालते थे। परिणाम मेरिनो था, एक भेड़ जो अपनी ऊन नहीं उगाती है। जंगली भेड़ ठंड के मौसम में अपने लिए पर्याप्त ऊन उगाती है और गर्मी के मौसम में इसे प्राकृतिक रूप से बहा देती है, लेकिन इंसानों ने अपनी ऊन से लाभ कमाने का एक तरीका खोज लिया और घरेलू भेड़ों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। विश्व का लगभग 25% ऊन ऑस्ट्रेलिया से आता है। युवा मेमनों के कानों में अक्सर छेद किए जाते हैं, उनकी पूंछ काट दी जाती है और नर को बदिया कर दिया जाता है, आमतौर पर बिना दर्द निवारक के। ऑस्ट्रेलियाई ऊन उद्योग में प्रत्येक बसंत में लगभग 3 मिलियन मेमनों का मरना सामान्य माना जाता है। अधिक ऊन के उत्पादन की हड़बड़ी में समय से पहले बाल काटने के बाद कई भेड़े जोखिम से मर जाते हैं और इन अप्राकृतिक कर्मों से गर्भ महीनों के दौरान थकावट जानवरों की मृत्यु का कारण बनती है। कर्तन के दौरान भेड़ अपने शरीर के अंगों के कटने से लेकर पूर्ण विच्छेदन तक कुछ भी सहन कर सकती है। चश्मदीदों ने देखा है कि शेरस भेड़ों को अपनी कैंची या मुट्ठी से तब तक मारते हैं जब तक भेड़ की नाक से खून नहीं निकलता। अन्य लोगों ने आधे चेहरे कटे हुए भेड़ों को भी देखा है। भेड़ों को भीड़ भरी बाड़ों में ठूसने से चोट या तनाव के कारण मृत्यु हो सकती है। भेड़े इतनी कठोर होती हैं, वो चुपचाप सब कुछ सह लेती हैं। लेकिन शोधकर्ताओं ने पाया है कि कर्तन प्रक्रिया के दौरान कॉर्टिसोन जैसे तनाव हार्मोन में वृद्धि हुई है। जब भेड़ से ऊन का उत्पादन कम हो जाता है तो उन्हें काटने के लिए मध्य पूर्व में भेज दिया जाता है। ये यात्राएं जो हफ्तों तक चल सकती है उन देशों में जाती है जहाँ पशु कल्याण मानक मौजूद नहीं है। पर्थ के माध्यम से मध्य पूर्व के लिए बाध्य बीटा 3 पोर्ट एडिलेड को 10,000 जीवित जानवरों से भरा हुआ छोड़ देता है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वो दुखी हैं क्योंकि उनकी यात्रा के दौरान कई लोग मारे जाएंगे। एक सप्ताह से अधिक की देरी के बाद विवादास्पद लाइव एक्सपोर्ट कैरियर कल सुबह डॉक किया गया। यह 60 मिनट की चौंकाने वाली दृष्टि का अनुसरण करता है जिसमें ऑस्ट्रेलियाई भेड़ों को मध्य पूर्व में अपनी 5 सप्ताह की यात्रा के दौरान निर्जलित और मरता हुआ दिखाया गया है। देश भर से कॉल का फुटेज लाइव निर्यात पर प्रतिबंध लगाने के लिए है। राज्य सरकार का कहना है कि यह लाइव एक्सपोर्ट इंडस्ट्री का समर्थन करता है जिसका दावा है कि यह लगभग 400 स्थानीय नौकरियां पैदा करता है और इसकी कीमत $40 मिलियन है। लाभ के व्यापारियों को अपनी आंखों पर पट्टी बांधने की अनुमति ना दें। किसी भी तरह की फर इन तथ्यों को नहीं छुपा सकती है कि ऊन खरीदना एक क्रूर और खूनी उद्योग का समर्थन करता है।
दर्शकों का मनोरंजन करने के लिए सर्कस द्वारा शोषित कैद में रहने वाले जानवर इसलिए प्रदर्शन नहीं करते हैं क्योंकि वो ऐसा करना चाहते हैं। वे प्रदर्शन करते हैं क्योंकि वे भयभीत हैं। अक्सर उन्हें भयानक, अप्राकृतिक और तनावपूर्ण वातावरण में रखा जाता है, कई बार बिल्कुल अकेले और सबसे अलग, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें मनोवैज्ञानिक समस्याएं होती हैं। इस मानसिक संकट के सामान्य लक्षणों में आगे पीछे हिलना, सिर पटकना और यहाँ तक कि आत्मविकृति भी शामिल है। इसकी वजह से ये दौड़ना, खेलना और मेलजोल जैसी आम चीजें भी नहीं कर पाते। उनमें से ज्यादातर अपने परिवार को फिर कभी नहीं देखेंगे। वर्षों की मार, कांटों और जंजीरों से निराश कुछ जानवर भागने का प्रयास करते हैं और यह उनके और जनता के लिए खतरनाक हो सकता है। कई सर्कस में जानवरों को बंदी प्रजनन के लिए बनाया जाता है और उनके बच्चों को तुरंत अलग कर दिया जाता है क्योंकि छोटे जानवरों को नियंत्रित करना आसान होता है। कई देशों में परीक्षण विधियों की निगरानी के लिए कोई सरकारी संगठन नहीं है। जानवरों को अक्सर पीटा जाता है जिसके परिणाम स्वरूप उनका अत्यधिक खून बहता है और वो दर्द से चीखते हैं। घायल या बीमार होने के बाद भी उन्हें प्रदर्शन करने के लिए मजबूर किया जाता है। यह मनोरंजन के लिए मजबूर जानवरों से मुनाफाखोरी करने वाले क्रूर झील से ज्यादा कुछ नहीं है। जैसे जैसे क्रूरता मुक्त सर्कस की मांग बढ़ती है, सर्कसों को ऐसे मनोरंजन की ओर बढ़ना होगा जिसमें जानवर शामिल ना हो। ऐसा होने के लिए उद्योग के बैंक बैलेंस को हिट करने की जरूरत है। पशु परीक्षण उद्योग संस्थानों की भारी बर्बादी है। दुनिया भर की प्रयोगशालाओं में लाखों चूहे, चूहे खरगोश, प्राइमेट, बिल्ली, कुत्ते और अन्य जानवर बंजर पिंजरों में बंद है। वे अत्यधिक हताशा सहते हैं, अकेलेपन से तड़पते हैं और मुक्त होने के लिए तरसते हैं। वे डर के मारे बैठ जाते हैं और अगले भयानक और दर्दनाक प्रक्रिया की प्रतीक्षा करते हैं जो उन पर की जाएगी। जानवरों ने परीक्षण के लिए सहमति नहीं दी है। पशु परीक्षण के परिणाम अधिक फार्मा ग्राहकों में होते हैं। इसे आपसे कुछ कहना चाहिए, यह मुनाफे के बारे में है। पशु परीक्षणों में जानवरों को जहरीले धुएं में सांस लेने के लिए मजबूर करना, कुत्ते के कीटनाशकों को जबरन खिलाना, संवेदनशील आंखों में संचारक और चलने वाले रसायनों को टपकाना या इंजेक्ट करना, जहर, भोजन, पानी या नींद से वंचित करना शामिल है। त्वचा या आंखों की जलन के अधीन होना, मनोवैज्ञानिक संकट के अधीनता, जानबूझकर उन्हें बीमारियों से संक्रमित करना, मस्तिष्क क्षति और पक्षाघात के अधीन सर्जिकल विकृति, जबरदस्ती खिलाना, विद्युतीकरण और सबसे अंत में मारे जाते हैं। ऐसा हर साल लाखों जानवरों के साथ होता है। यहाँ तक कि भ्रमित व्याकुल नवजात शिशुओं को उनकी माताओं से लिया जाता है और प्रयोगकर्ताओं द्वारा पकड़ लिया जाता है। मानवीय गैर पशु परीक्षण विधियाँ पशु परीक्षण की जगह ले सकती हैं और उनमें मनुष्य के लिए सस्ता, तेज और अधिक प्रांस के खोने की क्षमता भी है। राष्ट्रीय मानव जीनोम अनुसंधान संसाधन के निदेशक डॉक्टर फ्रांसिस कॉलिंस को यह बताने के लिए कहा गया था कि जानवरों का उपयोग करने के लिए नए परीक्षण तरीके बेहतर क्यों थे। उन्होंने कहा, यह स्पष्ट रूप से काफी महंगा है, यह समय लेने वाला है, यह बड़ी संख्या में जानवरों का उपयोग करता है और यह हमेशा भविष्यवाणी नहीं करता है कि कौन से रसायन मनुष्य के लिए हानिकारक होंगे। नया शोध मॉडल वैज्ञानिकों को जानवरों पर परीक्षण किए जाने पर वर्षों की तुलना में लगभग दो दिनों में 1500 विभिन्न सांद्रता में 100,000 यौगिकों का परीक्षण करने की अनुमति देगा। मुनाफे को बढ़ावा देने के झूठे दावे, जैसे कि इस उत्पाद का जानवरों पर परीक्षण नहीं किया गया है और यह कंपनी जानवरों पर परीक्षण नहीं करती है, इसका मतलब यह हो सकता है कि कंपनी अपने परीक्षण को अनुबंधित करती है। हम क्रूरता मुक्त उत्पाद खरीद कर और जानवरों पर प्रयोग बंद करके जानवरों की पीड़ा और मृत्यु को रोकने में मदद कर सकते हैं। चल बाहर निकल, पिंजरे से बाहर आ, तू बहुत शोर करता है। लगता है आज तेरे नाखून निकाल नहीं पड़ेंगे। चिड़ियाघर पशु जेल व्यवसाय है जो जानवरों को वस्तुओं के रूप में मानते हैं। पशुओं को नियमित रूप से खरीदा, बेचा और उधार दिया जाता है। जानवरों को अक्सर उन अधिकांश चीजों को करने से रोका जाता है जो उनके लिए स्वाभाविक और महत्वपूर्ण है, जैसे दौड़ना, घूमना, उड़ना, चढ़ना, भोजन की तलाश करना और एक साथी का चुनाव करना। इसके बजाय वे ऊब गए हैं, तंग हैं, एकाकी और वंचित हैं। शारीरिक और मानसिक कुंठाएं अक्सर असामान्य, विक्षिप्त और यहाँ तक कि आत्म विनाशकारी व्यवहार का कारण बनती है, जैसे कि लगातार पेंसिंग, तंग घेरे में चलना, लहराना, सिर हिलाना, बार काटना और अन्य मनोवैज्ञानिक संकट के संकेत। कई चिड़ियाघर घाटे में काम करते हैं और लागत में कटौती के तरीके खोजने के लिए अंत में पशु ही कीमत चुकाते हैं।
प्रजनन कार्यक्रम केवल प्यारे बच्चे जानवरों का उत्पादन करते हैं। भीड़ भाड़ का मतलब है कि पुराने जानवरों को या तो पर्दे के पीछे भंडार में रखा जा सकता है, नीलामी या जर्जर सड़क के किनारे चिड़ियाघरों या अनैतिक विदेशी पशु डीलरों को बिक्री से हटा दिया जाता है। यहाँ तक कि बड़े जाने माने और लोकप्रिय चिड़ियाघर भी अनैतिक व्यवहारों में संलग्न है, जैसे कि अवांछित जानवरों को फेंकना या जंगली जानवरों को ले जाना। जब आप इस गौरवशाली पशु जेल का टिकट खरीदते हैं तो आप पशु कारावास और क्रूरता के लिए भुगतान करते हैं। आज जिस तरह से पारंपरिक मांस का उत्पादन किया जाता है वह पर्यावरण, पशु कल्याण और मानव स्वास्थ्य के लिए चुनौतियां पैदा कर सकता है। ये ऐसी समस्याएं हैं जिन्हें हर कोई सुलझाना चाहता है। जानवरों के मांस और डेयरी पर निर्भर करना अस्वास्थ्यकर और अस्थिर है। हर कोई पोषण विशेषज्ञ बन जाता है जब आप उन्हें बताते हैं कि आप शाकाहारी हैं। सुनिए, हमें जानवरों के लिए बूचर खाने और हमारे लिए अस्पताल बनाने के बजाय समझदारी से खाना चाहिए। गौमांस उद्योग ने इस सदी के सभी युद्धों, सभी प्राकृतिक आपदाओं और सभी ऑटोमोबाइल दुर्घटनाओं की तुलनाओं में अधिक अमेरिकी मौतों में योगदान दिया है। यदि गौमांस वास्तविक लोगों के लिए वास्तविक भोजन का आपका विचार है तो आप अच्छे अस्पताल के करीब बेहतर रहेंगे। 2017 में ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में रिपोर्ट किए गए 536,969 लोगों के एक अध्ययन में कहा गया है, परिणाम प्रसंस्कृत और असंसाधित रेड मीट दोनों से जुड़े 9 अलग अलग कारणों से मृत्यु दर और मृत्यु के जोखिम को बढ़ाते हैं। रेड मीट सभी प्रकार के स्तनधारी मांसपेशियों के मांस को संदर्भित करता है, जैसे बीफ, वील, पोर्क, मेमना, मटन, घोड़ा या बकरी। प्रसंस्कृत मांस मांस को संदर्भित करता है जिसे स्वाद बढ़ाने या संरक्षण में सुधार करने के लिए नमक, धूम्र या अन्य प्रक्रियाओं के माध्यम से परिवर्तित किया जाता है। अमेरिकन कैंसर सोसाइटी प्रसंस्कृत मांस को समूह एक की श्रेणी में सूचीबद्ध करती है, जिसका अर्थ ये है कि ये मनुष्य के लिए कार्सिनोजेनिक है। रेड मीट को ग्रुप 2A में सूचीबद्ध किया गया है, जिसका अर्थ ये है कि ये शायद मनुष्य के लिए कार्सिनोजेनिक है। राष्ट्रीय कैंसर संस्थान के शोधकर्ताओं ने पाया है कि मांस खाने से पुरुषों में प्रोस्टेट कैंसर का खतरा बढ़ जाता है, जबकि येल विश्वविद्यालय के एक अध्ययन की रिपोर्ट है कि मांस आधारित आहार पेट के कैंसर का कारण बन सकता है। 90,000 से अधिक महिलाओं के एक अध्ययन ने निष्कर्ष निकाला है कि बेकन, हॉट डॉग और सॉसेज का लगातार सेवन मधुमेह के जोखिम को बढ़ाता है। वैज्ञानिकों ने यह पाया है कि जो लोग नियमित रूप से हॉट डॉग, सॉसेज या अन्य संसाधित या उपचारित मांस खाते हैं उनके अग्नाशय के कैंसर में 70% की वृद्धि होगी। हालांकि पोर्क कई बच्चों के दैनिक मेन्यू में है। एक अन्य अध्ययन के अनुसार गर्भवती महिलाओं के बच्चे जो रोजाना प्रोसेस किए गए मांस का सेवन करते हैं उनमें ब्रेन ट्यूमर के जोखिम बढ़ जाते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन की कैंसर एजेंसी इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर ने 800 से अधिक अध्ययनों की समीक्षा करने के लिए 10 देशों के 22 विशेषज्ञों को नियुक्त किया और उन्होंने प्रसंस्कृत मांस को कार्सिनोजेन और रेड मीट को संभावित कार्सिनोजेन के रूप में वर्गीकृत किया। कार्सिनोजेन कैंसर पैदा करने में सक्षम पदार्थ है। उन्होंने समूह एक में प्रसंस्कृत मांस को धूम्रपान और अभ्रक के समान श्रेणी में सूचीबद्ध किया। उन्होंने रेड मीट को एक संभावित कार्सिनोजन के रूप में वर्गीकृत किया, कुछ ऐसा जो संभवतः कैंसर का कारण बनता है। आज सुबह विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक बड़ी नई रिपोर्ट में कहा गया कि प्रसंस्कृत मांस खाने से धूम्रपान के समान ही कैंसर का खतरा होता है। रिपोर्ट के अनुसार मांस जैसे कि बेकन और हॉट डॉग को उच्चतम जोखिम रेटिंग में रखती है, जो कि सिगरेट और शराब के समान है। रेड मीट को अगला सबसे बड़ा जोखिम कहा जाता है। डॉक्टर डेविड एगर्स दुनिया के अग्रणी कैंसर विशेषज्ञों में से एक हैं और CBS न्यूज के चिकित्सा योगदान करता है। वो लॉस एंजलिस से हमारे साथ जुड़े हैं ताकि हमें ये समझाने में मदद मिल सके कि रेड मीट और प्रोसेस्ड मीट क्या है ना? तो लाल मांस है जब आप ग्रिल पर स्टेक डालते हैं। प्रसंस्कृत मांस वो होते हैं जहां वे मांस लेते हैं और डालते हैं, चाहे वो बहुत सारे नमक, परिरक्षक, नाइट्रेट और इसे लंबे समय तक बनाए रखने या अलग स्वाद के लिए चीजें हो। बोलेग्रा प्राकृतिक मांस नहीं है। हॉट डॉग नियमित लाल मांस नहीं है, वो संसाधित होते हैं। हमें स्पष्ट रूप से संसाधित से दूर रहने की जरूरत है। वर्तमान पर्यावरणीय मुद्दों के साथ वो अस्थिर है। जिस दर से हम सभी रेड मीट खा रहे हैं, लेकिन वो एक अलग मुद्दा है। हर साल खाद्य विषाक्तता करोड़ों लोगों को बीमार कर देती है और हजारों लोगों की जान ले लेती है। 36 विभिन्न किराने के दुकान से लिए गए 256 पोर्क के नमूनों के एक अध्ययन से पाया गया है कि वो 63% तक बैक्टीरिया से दूषित थे। पिछले कई दशकों से सैकड़ों नैदानिक अध्ययनों से पता चला है कि मांस और डेयरी उत्पादों का सेवन कैंसर, मधुमेह, हृदय रोग और कई अन्य बीमारियों को पैदा करने वाला एक प्रमुख कारक है। अमेरिकी पृथ्वी पर किसी भी अन्य लोगों की तुलना में प्रति व्यक्ति अधिक मांस खाते हैं और डॉक्टर के बिलों की कीमत चुकाते हैं। इस प्रकार बाकी दुनिया के लोगों की तुलना में अमेरिकियों में मोटापे और मधुमेह की दर दोगुनी और कैंसर की दर लगभग 3 गुना है। अमेरिका में मांस और डेयरी खपत से संबंधित बीमारियों की लागत $314 अरब है।
दुनिया भर में अग्रणी स्वास्थ्य संगठन मानते हैं कि शाकाहारी आहार हर किसी के लिए एक व्यवहार्य विकल्प है और स्वीकार करते हैं कि इसके महत्वपूर्ण स्वास्थ्य लाभ हैं, जिनमें मोटापा, मधुमेह, उच्च रक्तचाप, उच्च कोलेस्ट्रॉल, दिल के दौरे, स्ट्रोक और कुछ प्रकार के कैंसर को भी कम करना शामिल है। अमेरिकन एकेडमी ऑफ न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स आहार और पोषण पर अमेरिका का सबसे पुराना, सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण प्रतिकरण यह भी मानता है कि मनुष्य के पास पशु उत्पादों के लिए कोई अंतर्निहित जैविक आवश्यकता नहीं है। यह अमेरिकन डायटेटिक एसोसिएशन ने पुख्ता किया है कि सही तरीके का शाकाहारी आहार उचित रूप से संपूर्ण आहार है जो स्वस्थ, पौष्टिक रूप से पर्याप्त है और कुछ बीमारियों के रोकथाम और उपचार में स्वास्थ्य लाभ प्रदान कर सकते हैं। गर्भावस्था, स्तनपान, शैशवावस्था, बचपन और किशोरावस्था सहित जीवन चक्र के सभी चरणों के दौरान और एथलीटों के लिए सुनियोजित शाकाहारी आहार उपयुक्त है। शीर्ष 16 घातक स्वास्थ्य समस्याओं में से 15 मांस और डेयरी खपत के कारण होती है और सभी को एक स्वस्थ शाकाहारी आहार से उल्टा किया जा सकता है। अध्ययनों से पता चलता है कि शाकाहारी आहार स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं और टाइप 2 मधुमेह को भी उलट सकता है। कोई अध्ययन नहीं दिखाता है कि मांस खाने से ऐसा होता है। आप देखते हैं, जानवरों को अपने पोषक तत्व वनस्पति, फल और अनाज से मिलते हैं। मनुष्य तब उन पोषक तत्वों को प्राप्त करने के लिए जानवरों का सेवन करते हैं, सीधे स्रोत पर क्यों नहीं जाते? मनुष्य मांस और डेयरी का सेवन किए बिना सभी आवश्यक पोषक तत्व प्राप्त कर सकता है। जो कोई भी पृथ्वी की परवाह करता है, वास्तव में परवाह करता है, उसे जानवरों को खाना बंद करना चाहिए। क्या कोई पर्यावरण के विनाश के सबसे बुरे कारणों में से एक में अनावश्यक रूप से योगदान करते हुए पर्यावरण के बारे में चिंतित होने का दावा कर सकता है? जब हम पर्यावरण खतरों के बारे में सोचते हैं, हम कारों और धूम्रपान करने वालों को चित्रित करते हैं, न कि हमारी थाली में भोजन। भोजन की हमारी आवश्यकता ग्रह के लिए सबसे बड़े खतरों में से एक है। यदि आप खुद को एक पर्यावरणविद मानते हैं और आप कम समय के लिए नहाते हैं, कपड़े के थैलों का उपयोग करते हैं, किसानों की बाजार में खरीदारी करते हैं और धातु की पानी की बोतलों का उपयोग करते हैं, तो आप सबसे बड़ा काम कर सकते हैं अपने कार्बन फुटप्रिंट को कम करें, आहार से मांस और डेयरी को खत्म करके। किसी जानवर को आपकी थाली में स्टेक में बदलने के लिए बहुत सारी भूमि और ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। घर के अंदर या बाहर जानवरों को पालना अकुशल और बेहद बेकार है। पर्यावरण रक्षा के अनुसार यदि प्रत्येक अमेरिकी प्रति सप्ताह चिकन का भोजन छोड़ देता है और इसके बजाय शाकाहारी खाना खाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड की बचत हमारी सड़कों से आधी कारों को हटाने के बराबर होगी। यदि हर कोई सप्ताह में एक दिन शाकाहारी भोजन करता है, तो हम 10 अरब गैलन पानी को भी बचा सकते हैं, जो न्यू इंग्लैंड में लगभग 4 महीनों के लिए सभी घरों को आपूर्ति करने के लिए पर्याप्त है। यह 1.5 बिलियन पाउंड की फसलों को बचाएगा, अन्यथा पशुधन को खिलाया जाएगा, जो न्यू मेक्सिको राज्य को एक वर्ष से अधिक समय तक खिलाने के लिए पर्याप्त होगा, और 70 मिलियन गैलन गैस कनाडा और मेक्सिको के सभी कारों को ईंधन देने के लिए पर्याप्त होगी, और वो भी सिर्फ एक ही दिन में। मांस और डेयरी उद्योग इस ग्रह पर सबसे संवेदनहीन विनाशकारी पारिस्थितिक उद्योगों में से एक है। जैसे जैसे हमारा ग्रह बदलता है, हमारी आदतें भी बदलनी चाहिए। वैश्विक पशु कृषि ने अफ्रीका के आकार के एक भूभाग पर कब्जा कर लिया है। प्रति सेकंड 1 से 2 एकड़ वर्षा वन साफ किया जा रहा है। शाकाहारी भोजन खिलाने के लिए लगभग 20 गुना कम भूमि लगती है, क्योंकि फसलों का सीधा उपयोग किया जाता है। प्रभावों से बचने के लिए शाकाहारी आहार की ओर एक वैश्विक बदलाव महत्वपूर्ण है। रिपोर्ट से पता चलता है कि पशुधन क्षेत्र पूरे परिवहन क्षेत्र की तुलना में दुनिया भर में अधिक ग्रीन हाउस गैसों का कारण बनता है, जो दुनिया भर में नाइट्रस ऑक्साइड उत्सर्जन के 65% के लिए जिम्मेदार है। संयुक्त राष्ट्र ने 2016 को दालों का वर्ष घोषित किया। न केवल वे रसोई में अत्यधिक पौष्टिक और बहुमुखी हैं, बल्कि वो किसानों को भी लाभ प्रदान करते हैं। मसूर नाइट्रोजन फिक्सर है, जो मिट्टी को भर सकते हैं। गायों, मुर्गियों या सुअरों को पालना विपरीत काम करता है। यह मिट्टी के साथ साथ हवा की गुणवत्ता और पानी को नुकसान पहुंचाता है। मरम्मत से परे समुदायों को पीढ़ियों तक खतरे में डालता है। रिपोर्ट के प्रमुख लेखक प्रोफेसर एडगर हार्टविच ने कहा, रेत या सीमेंट, प्लास्टिक या धातु जैसे निर्माण खनिजों की तुलना में पशु उत्पाद अधिक नुकसान पहुंचाते हैं। रिपोर्ट में कहा गया है, पशु उत्पादों से दूर विश्वव्यापी आहार परिवर्तन के साथ ही प्रभावों में पर्याप्त कमी संभव होगी।
कई प्रमुख पर्यावरण संगठन ये मानते हैं कि भोजन के लिए जानवरों को पालना पर्यावरण को किसी और चीज से ज्यादा नुकसान पहुंचाता है जो हम करते हैं। यहाँ तक कि अल गोर के असंविधानजनक सत्य में यह उल्लेख नहीं किया गया है कि मोटर वाहन उद्योग से सभी उत्सर्जन की तुलना में मांस और डेयरी का सेवन पर्यावरण के लिए बदतर है। फिर भी 2013 में पर्यावरणविद पूर्व उपराष्ट्रपति ने घोषणा की कि उन्होंने शाकाहारी आहार अपना लिया है। यह बिल्कुल सही है कि दुनिया भर में आहार की बढ़ती मांस की तीव्रता इस वैश्विक संकट से जुड़े मुद्दों में से एक है। न केवल इसमें शामिल CO2 के कारण बल्कि इस प्रक्रिया में पानी की खपत के कारण भी। अन्य प्रमुख पर्यावरणविदों ने प्रकाश को देखा और मांस डेयरी और अंडे को भी छोड़ दिया। फैक्ट्री फार्म भरी मात्रा में धूल और अन्य संदूषण पैदा करते हैं जो हमारी हवा को प्रदूषित करते हैं, जिसमें मल से जैविक रूप से सक्रिय जीव जैसे बैक्टीरिया, मोल्ड और कवक शामिल हैं। पर्यावरण संरक्षण एजेंसी के अनुसार फैक्ट्री फार्मों से होने वाला पानी हमारे जल मार्गों को अन्य सभी औद्योगिक स्रोतों की तुलना में अधिक प्रदूषित करता है, क्योंकि भोजन के लिए पाले गए जानवर पूरी मानव आबादी की तुलना में 130 गुना अधिक मल मूत्र पैदा करते हैं। प्रति सेकंड 86,000 पाउंड। एक सुअर कारखाने का खेत 12,000 लोगों के शहर के बराबर कच्चे कचरे की मात्रा उत्पन्न करता है। एक हैमबर्गर बनाने में 2 महीने तक नहाने जितना पानी लगता है। UN Convention to Combat Desertification के अनुसार केवल 1 पाउंड मांस का उत्पादन करने के लिए लगभग 10 पाउंड अनाज लगता है। एक भोजन के लिए पर्याप्त मांस 16 लोगों का उस अनाज से पेट भरा जा सकता है जिससे उस मांस का उत्पादन होता है। 2050 तक वैश्विक जनसंख्या अत्यधिक बढ़ जाएगी। आने वाले दशकों में हम जो खाद खाने के लिए चुनते हैं उनके ग्रह के लिए प्रतिकूल प्रभाव होंगे। इसलिए चीन मांस की खपत 50% तक की कटौती करने की योजना बना रहा है और अन्य देश भी कार्रवाई कर रहे हैं। हर 2 सेकंड में दुनिया में कहीं ना कहीं एक बच्चा भूख से मरता है। गरीबी से त्रस्त देश अपने स्वयं के भूखे लोगों के लिए फसलों की खेती करने के बजाय सस्ते पशु मांस के साथ पश्चिम की आपूर्ति के लिए अपने खेत का उपयोग करते हैं। दुनिया की आधी से ज्यादा फसल जानवरों को खिलाने के लिए इस्तेमाल की जाती है, इंसानों के लिए नहीं। पशु कृषि अनाज का उपयोग कर रहे हैं जो भूखे लोगों के लिए किया जा सकता है। अमेरिका की पशु आबादी अपनी मानव आबादी के 5 गुना से अधिक को खिलाने के लिए पर्याप्त अनाज और सोयाबीन की खपत करती है। अमेरिका में उगाए जाने वाले सभी मक्के का 90% और सभी अनाजों और फलियों का 80% पशुओं को खिलाया जाता है। यदि वर्तमान में संयुक्त राज्य अमेरिका में पशुओं को खिलाया जाने वाला सारा अनाज लोगों द्वारा खाया जाता है तो उनकी संख्या लगभग 800 मिलियन होगी। यदि उन अनाजों का निर्यात किया गया तो यह अमेरिकी व्यापार को प्रति वर्ष $80 बिलियन तक बढ़ा देगा। आधे से अधिक अमेरिकी अनाज और लगभग 40% विश्व अनाज मनुष्य द्वारा उपयोग किए जाने के बजाय पशुओं को खिलाया जा रहा है। मांस जैसी क्रूर और विलासिता की वस्तु पर अपने कीमती संसाधनों को बर्बाद करना गैर जिम्मेदाराना है। सौभाग्य से ऐसा कुछ है जो आप कर सकते हैं। पौधे आधारित आहार पर स्विच करें जो आपके लिए और साथ ही साथ जानवरों और धरती के लिए भी अच्छा है। रिचर्ड ब्रॉन्सन भविष्यवाणी करते हैं कि दुनिया को अब 30 वर्षों में जानवरों को मारने की आवश्यकता नहीं होगी। ब्रॉन्सन और बिल गेट्स दोनों ने स्वच्छ मांस स्टार्टअप में निवेश किया है जो स्व उत्पादक पशु कोशिकाओं से प्रयोगशाला में विकसित मांस का निर्माण करके पशु वध की आवश्यकता को समाप्त करता है। मेम्फिस मीट जो पशु कोशिकाओं से सीधे बीफ, चिकन और बत्तख का उत्पादन करता है बिना पशुपालन और वध किए। गेट्स और अरबपति रिचर्ड ब्रॉन्सन सहित निवेशकों ने $17 मिलियन जुटाए। मेरा मानना है कि 30 साल या उससे अधिक समय में हमें किसी भी जानवर को मारने की आवश्यकता नहीं होगी और सभी मांस या तो साफ होंगे या पौधे आधारित होंगे। स्वाद समान और सभी के लिए अधिक स्वास्थ्य भी होगा। शाकाहारी मांस पौधों से बने मांस के विकल्प है। यह एक ऑक्सीमोरॉन की तरह लग सकता है लेकिन अब यह तकनीक उद्योग में सबसे बड़ा चलन है। 2016 में लॉस एंजल्स में मिल्कन इंस्टीट्यूट ग्लोबल कॉन्फ्रेंस में गूगल की मूल कंपनी अल्फाबेट के कार्यकारी निर्देशक एरिक श्मिट ने 3D प्रिंटिंग, सेल्फ ड्राइविंग कार, मोबाइल मेडिकल डेटा, वर्चुअल रियलिटी और एजुकेशन प्रोग्राम को पछाड़ते हुए प्लांट आधारित प्रोटीन को तकनीक में सबसे महत्वपूर्ण प्रगति के रूप में सूचीबद्ध किया। श्मिट भविष्यवाणी करते हैं कि हम पशुओं को पौधों के प्रोटीन के साथ बदलने की क्रांति में प्रवेश कर रहे हैं। प्रौद्योगिकी अनुसंधान को आगे बढ़ा रही है जो जानवर के बिना मांस उगाने में भी इस्तेमाल किया जा रहा है। ब्रिटेन के प्रयोगशाला में उगाए गए बर्गर की समीक्षा करने के लिए परीक्षण किया गया था। बियॉन्ड मीट एक दक्षिणी कैलिफोर्निया संयंत्र आधारित मांस कंपनी ने हाल ही में एक वेजी बर्गर जारी किया। स्टोर में अपने पहले दिन ही यह 1 घंटे के अंदर बिक गया। इम्पॉसिबल फूड्स जिसने $180 मिलियन से अधिक जुटाए हैं गूगल को $300 मिलियन में बेचने का प्रस्ताव प्राप्त कर रहा है। पौधे आधारित बर्गर को इतना भावपूर्ण बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। बियॉन्ड मीट की तरह इम्पॉसिबल फूड्स पौधे से मांस का अनुकरण करने में कई लाभ देखता है।
यह हमारे शरीर के लिए, ग्रह के लिए और निश्चित रूप से जानवरों के लिए बेहतर है। भविष्य उज्जवल दिखता है, भविष्य शाकाहारी दिखता है। इस सामूहिक क्रूरता का सामना करना इतना दर्दनाक है कि कई लोग सोच को नजरअंदाज करने के प्रलोभन में आ जाते हैं। उनकी अज्ञानता ही उनका आनंद है। कार्निस्टों का अंतिम तर्क चरमरा रहा है और वैज्ञानिकों के अनुसार पशुपालन स्थिर नहीं है। यह स्वीकार करना वास्तव में कठिन हो सकता है जब किसी के पास आपसे बेहतर तर्क हो। हम सभी स्व केंद्रित विकल्प चुनते हैं या महसूस नहीं करते कि हमारे विकल्पों के परिणाम होते हैं। मैं आपको सच बताता हूँ, अगर गैर मानव जानवरों का धर्म होता तो इंसान शैतान होता। मनुष्यों में स्वयं को धोखा देने की प्रतिभा होती है, इसलिए वो जानबूझकर गलत भी कर सकते हैं। ज्यादातर लोग जानवरों को इसलिए नहीं खाते क्योंकि उनको उनकी आवश्यकता होती है, बल्कि सिर्फ इसलिए कि वो उन्हें खा सकते हैं। सिर्फ आपके नाश्ते के लिए जानवर को अपनी जान नहीं गंवानी चाहिए। लोग उस बर्ताव को सही ठहराते हैं जिसे वो देख नहीं पाते। अगर आपकी आंखें अच्छा महसूस नहीं करती है तो यह आपके पेट के लिए क्यों स्वीकार्य है? आने वाली पीढ़ियां पीछे मुड़कर देखेंगी और आश्चर्य करेंगी कि हमने जानवरों के सामूहिक उत्पीड़न की राक्षसी क्रूरता को अनुमति कैसे दी। एक दिन हम पीछे मुड़कर देखेंगे और सोचेंगे कि भोजन के लिए जानवरों को मारने में हमारे दादा दादी कितने निपुण थे। वो समय आएगा जब मेरे जैसे लोग जानवरों की हत्या को देखेंगे, क्योंकि वो लोग मनुष्यों की हत्या को देखते हैं। पाखंड इतना है कि आने वाली पीढ़ियां इस बात पर अचंभित होंगी कि हम इसे देखने में कैसे असफल हो गए। चुनौतीपूर्ण सामाजिक मानदंड हमेशा उचित नहीं लगते हैं। समय झूठ को उजागर करता है। इतिहास में झूठ के लिए कोई जगह नहीं है। उम्मीद है मानव जाति एक दिन यह स्वीकार करेगी कि यह लाभ और संतोषजनक स्वाद कलियों के नाम पर अनावश्यक रूप से दास्ता, यातना, चोरी और जानवरों की हत्या करने के लिए स्वीकार्य नहीं है। जिस तरह धूम्रपान की पैकेजिंग पर स्वास्थ्य चेतावनी होती है, उसी तरह मांस की पैकेजिंग पर भी एक दिन स्वास्थ्य चेतावनी हो सकती है अगर इसे अस्वीकार भोजन के रूप में पूरी तरह से खारिज नहीं किया जाता है। जब तक आप जीवित रहने की स्थिति में नहीं हैं, तब तक कोई नैतिक कारण नहीं है कि आप मारे गए मांस को केवल व्यक्तिगत आनंद के लिए खा सकते हैं। लेकिन इसने लोगों को पहले कभी नहीं रोका। याद रखें, आपका खाना चिल्लाया था। मॉडरेशन में मांस खाना या जानवरों को मानवीय रूप से मारना उतना ही विकल्प है जितना कि मॉडरेशन में धूम्रपान करना और मानवीय रूप से बलात्कार करना समझदारी या स्वीकार्य है। आप बहस कर सकते हैं, लेकिन मामूली शंका आपको बताती है कि यह सच्चाई है। मन एक पैराशूट की तरह है। यह तभी उपयोगी है जब खुला हो। जब आप चीजों को देखने का तरीका बदलते हैं तो आप जिन चीजों को देखते हैं वो बदल जाती है। चूंकि ये लाभ के बारे में है, हमें इस खिलौने उद्योग की जेब पर वार करना है। यह एक आपूर्ति और मांग उद्योग है, और उन उद्योगों के लिए मेरा एक संदेश है कि यदि आप बाजार से जीते हैं तो आप बाजार से मरने का जोखिम उठाते हैं। एक उपभोक्ता के रूप में आप जो चुनाव करते हैं उसके परिणाम होते हैं। हर बार जब आप पशु उत्पाद खरीदते हैं तो आप निर्दोष प्राणियों के जन्म, उनके दर्द और हिंसक मौतों को वित्त पोषित कर रहे होते हैं। आपकी उदासीनता से यह चक्र चलता रहता है। खाने के लिए किसी जानवर को मारना, जबकि हमारे पास बहुत सारे अन्य विकल्प हैं, आम मानवीय है। हम दिखावा कर सकते हैं कि ऐसा नहीं हो रहा है, या आर्थिक रूप से सहयोग या सहयोग ना करके जानवरों के व्यवसाय का बहिष्कार कर सकते हैं। इस आहार और नैतिक संघर्ष की जटिलताओं को खोलना चुनौतीपूर्ण है। लोगों को शाकाहारी बनने के लिए कहना, उन्हें चेतना में बदलाव लाने, रिश्तों को जोखिम में डालने और अल्पसंख्यक समूह से संबंधित होने के लिए कह रहा है। जब तक आप बेहतर नहीं जानते, तब तक आप सबसे अच्छा कर सकते हैं। फिर जब आप बेहतर जानते हैं तो बेहतर करें। जब परिवर्तन के लिए एकाग्र प्रयास किया जाता है तो वह परिवर्तन लाता है। हम सभी अपने कार्यों को तर्कसंगत नैतिकता के साथ संरेखित करने के लिए एक जागरूक प्रतिबद्धता बना सकते हैं और अपनी दुनिया की जटिलताओं के सामने अहिंसा के सिद्धांतों का पालन करने के लिए स्वेच्छा से बलिदान करने का विकल्प चुन सकते हैं। अच्छे आँख को झूठ की पहचान होती है, यह एक जागृति है। मेरे पहले दिन के बाद मैंने फिर कभी किसी और जानवर को नहीं खाया और जल्द ही मैं शाकाहारी हो गया। यह एक सचेत निर्णय नहीं था, यह बस हो गया और अब मैं कभी वापस नहीं जा सकता। प्रत्येक शाकाहारी के पास अपना स्वयं का लाइट बल्ब पल होता है। जब वो क्लिक होता है तो उन्होंने पशु उत्पादों को खाना बंद कर दिया। आप इतने व्यस्त हैं कि काउंटर पर उनकी पीली कोमल त्वचा देखकर आपको झटका नहीं लगता, यह मुझे झकझोरता है। जीने का एक बेहतर तरीका है, यह जानवरों के लिए बेहतर है। ये खुशी की बात है कि आपने किसी को अपने लिए जानवर मारने के पैसे नहीं दिए। ये पशुओं के लिए बुरा, स्वास्थ्य के लिए बुरा, पृथ्वी के लिए बुरा, मानवता के लिए बुरा है। तो आपकी वजह क्या है? बिना जरूरत के आप मीट और दूध का सेवन क्यों कर रहे हैं? आप सच जानते हैं तो अब क्या करेंगे? सिर्फ एक सही विकल्प है।